क्षुरोतभ्यस्वातो मुखोभ्यस्वातो बाहुरुतभ्यस्वातस्पात संभाव्यान्धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमि जनयन्त देवाः ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाय, हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सोना। चलो सखी तहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। हे कृष्ण बजान निज सुचि वंशी, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरू ब्रज मंडल में। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को विपिन की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम लें, तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करें। कहते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम कथा सुनते हैं, तो भगवान हमारे जीवन की व्यथाओं को मिटा देते हैं। और एक जन्म नहीं जब अनेकों जन्मों के भाग्योदय होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भागवत कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि सबसे पहले मुश्किल है मनुष्य तन मिलना, और मनुष्य तन मिलने के बाद भागवत मिल जाना बहुत बड़ी बात है। देखो 84 लाख योनियां हैं संसार में, है कि नहीं? हम तो एक योनि में हैं। मान लो भगवान ने हमें मनुष्य ना बनाकर और कोई भी 84 लाख योनि में डाल दिया होता तो भाई इतनी सारी योनियां हैं। मान लो भगवान ने हमें मनुष्य ना बनाया होता, कुत्ता बिल्ली बना दिया होता या कुछ और कीड़ा मकूड़ा बना दिया होता, तो क्या हम भगवान की भक्ति कर पाते? क्या हम भगवान का भजन कर पाते?
ना, ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। सबसे पहले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सबसे पहले ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। और मनुष्य बनाने के बाद और सबसे बड़ी कृपा है कि जो भागवत देवताओं को दुर्लभ है वो भागवत भगवान आपको सुनने को दे रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बैकुंठ में भागवत की कथा चल रही थी या स्वर्ग में भागवत की कथा चल रही थी, आपने कभी सुना? क्योंकि ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी भागवत की कथा सुनने के लिए स्वर्ग से धरती में आते हैं नीचे। माता जी ये सत्य बात है। जब भागवत की कथा चलती है तो कहते हैं जो देवता हैं वो कथा सुनने के लिए अनेक रूपों में हमारे बीच में आके बैठ जाते हैं और वो बैठ के भागवत की कथा सुनते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई माताजी ऐसी आई जो अड़ोसन पड़ोसन कोई उस माताजी को नहीं जानता और भागवत पूरी हुई और वो माताजी कहाँ चली गई पता ही नहीं। कोई ऐसा पुरुष आया जो बीच में बैठा है पूरे गांव के लोग नहीं जानते, उस पुरुष ने भागवत की कथा सुनी और कथा के बाद उसे ढूंढ रहे तो मिल ही नहीं रहा। ये साक्षात है बिल्कुल। वो देवता आते हैं क्योंकि उनको भी चार्ज होने के लिए पुण्य चाहिए रहते हैं। देवता जीते हैं पुण्य की दम पर। देवताओं के पास अपना कुछ नहीं होता, अच्छे पुण्य रहते हैं। वो पुण्य जब तक रहते हैं तो देवता देवता बने रहते हैं, जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाते हैं धरती में आके गिर जाते हैं। तो देवता भी पुण्य कमाने के लिए धरती में आते हैं और धरती में आने के बाद भागवत की कथा सुनते हैं हम सबके बीच में और फिर पुण्यवान बन के वो अपना काम करते हैं। और ये सत्य ना लगे तो इसका वर्णन भी पद्म पुराण में आया है। पद्म पुराण में लिखा है कि एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, माता रुक्मणी भोजन करा रही थी उनको। जैसे ही भोजन परोसा तो अचानक से भगवान कृष्ण हंसने लगे जोर जोर से। एक चीटा जा रहा था सामने से, उसको देखकर रुक्मणी जी कहने लगी भगवान क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं बना, क्या हंस क्यों रहे हो? भगवान ने कहा देवी अब क्या बताऊं, हंसी आ गई। रुक्मणी जी ने कहा नाना प्रभु, स्त्रियों के अंदर एक गुण होता है, वेदांत कहता है कि अगर वो किसी बात के पीछे पड़ जाए तो जब तक जान ना ले तब तक वो पीछे पड़ी रहती है। रुक्मणी जी ने कहा ना भगवान आप तो बताओ क्यों हंसे। भगवान ने कहा रुक्मणी जी मैं आपके भोजन को देख के नहीं हंसा, मैं इस चीटा को देख के हंसा हूं। रुक्मणी जी ने कहा अरे संसार में इतने चीटा हैं, आप इस चीटा को देख के क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा देवी ये जो सामने चीटा जा रहा है ना, ये चीटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रुक्मणी जी ने कहा भगवान तो फिर कौन है? बोली ये जो चीटा है ना ये पिछले जन्म का इंद्र है, स्वर्ग का राजा है ये जो चीटा बन के घूम रहा है। ये पिछले जन्म में इंद्र था लेकिन इंद्र बनकर ये अप्सराओं का भोग करता था, नृत्य देखता था, मांसाहार करता था और अपने पूरे पुण्यों को नष्ट कर लिया। तो वो इंद्र अपने कर्मों के कारण चीटा बन के घूम रहा है धरती में। ये जो सामने चीटा घूम रहा साधारण मत समझो देवी, ये इंद्र है लेकिन इसने ऐसे बुरे कर्म किए कि आज उस इंद्र को भी संसार में चीटा बन के घूमना पड़ रहा। हाँ भागवत में लिखा है अच्छे कर्म करोगे तो भगवान देवता भी बना देते हैं और अच्छे कर्म नहीं करते तो कीड़े मकोड़े भगवान हमें बनाते हैं। अच्छे कर्म हम करते हैं तो भगवान अच्छी योनि में हमें भेजते हैं, अभी मरोगे तो अगले जन्म में भी मनुष्य बनोगे। और अच्छे कर्म नहीं करोगे तो भगवान पर नाली का कीड़ा बनाता है, अनेक प्रकार के बुरे कृत्य दिखाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की माया नहीं जा पाती, व्यक्ति भगवान को भजना नहीं चाहता। एक कथा एक सत्य घटना गुरुजी सुनाते थे, उन्हें आत्मज्ञान था, उनको आत्मा से कथा निकलती थी। वो कहते थे कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर में चक्की थी। कौन सी? ये घुमाने वाली नहीं, लाइट वाली चक्की जिसमें आटा पीसते हैं, वो चक्की थी उसके घर में। अब वो अकेला घर में रहता था, दो तो उसके बेटे थे। एक दिन उसके घर में चक्की में पिसाने के लिए इतने सारे लोग आए कि वो दिन भर से बड़ा दुखी रहा। हे भगवान 70 साल की उम्र हो गई, अब भी काम ही करते रहूंगा क्या, जीवन में सुख ही नहीं आएंगे क्या, लड़के बच्चे हो गए, इतनी उम्र हो गई, काम ही काम, उससे अच्छा भगवान एक काम करो मुझे उठा लो।
मुझे तो कोई ज्ञान करा दो, मैं ये परिवार छोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही वो दादाजी कह रहे थे कि परिवार छोड़ना चाहता हूँ, उसी समय एक संत जी जा रहे थे सामने से। संत जी ने सुन लिया, कोई चिल्ला रहा परिवार छोड़ना चाहता हूँ। संत जी चले गए उसके पास, भैया परिवार छोड़ना चाहते हो? उसने कहा हाँ संत जी छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर क्या देरी है, चलो मेरे साथ, छोड़ दो इसी वक्त संसार को। कई लोगों को देखा होगा ना, कई माता जी कहती हैं अब तो इस घर में रहूंगी नहीं, मैं चली तीर्थ करने। घर में हुई खटपट तो सामान बंधा झटपट, और दूसरे दिन पर स्टेशन पे पहुंची तो याद आया बहू तो नालायक है ही, लेकिन मेरा नाती मेरे बिना कैसे रहेगा, बेचारा खाना नहीं खाता मुझे देखे बिना। अब माता जी गई वहां स्टेशन तक, बहू से बहू तो नालायक लेकिन नाती तो है मेरा, वो तो अच्छा चाहता है मुझे जैसा भी है। लो माता जी का वैराग्य ही नहीं हुआ। लगता है कि शादी हो जाएगी, शादी के बाद हम वैराग्य धारण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, शादी हो गई, लगता लड़के बच्चे हो जाए वो भी हो गए, नाती पोते हो गए, मरने का समय आ गया, लेकिन अब भी वैराग्य धारण नहीं किया, अब भी मन वैरागी नहीं हुआ, होता क्या माता जी? अब उन दादाजी से संत ने कहा, कहा चलो दादाजी पर अब आपको जब जाना ही है तो चलो तुम्हें तो भगवान से मिलाते हैं, चलो भगवान के पास, दोबारा इस संसार को नहीं देखना पड़ेगा। उन दादाजी ने कहा कि संत जी एक काम करो, जाना तो है मुझे भगवान के पास, लेकिन कुछ वर्ष बाद आना, एक बार मेरे घर में नाती पोते हो जाएं, लड़का बस है बहू नालायक है, नाती पोतों को तो देख लूं, फिर संत जी आना मैं चलूंगा आपके साथ भगवान के पास। संत जी ने कहा ठीक है। कहते हैं संत जी चले गए और 5 वर्ष बाद संत जी फिर लौट कर आए उस घर में। जब लौट कर आकर देखा तो वो व्यक्ति मर चुका था। संत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वो मरा तो गया कहां, तो दिव्य दृष्टि से पता चला कि वो मरा है तो घर में ही जो बैल है, उनके लड़के बच्चों के घर में जो बैल है, वो बैल बन के अपने ही घर में रह रहा है। मरने के बाद वो व्यक्ति बैल बन गया है। अब संत जी उसके पास गए, भैया तू पिछले जन्म में मनुष्य था, बैल बन गया, तुझे याद है ना? उसने कहा हाँ संत जी सब याद है, अब तो बैल बन गए, अब चल मेरे साथ। तुरंत हाथ जोड़ के, माया हटती नहीं है भैया चाहे कितनी कोशिश करो, तुरंत हाथ जोड़ के बोलने लगा गुरुजी अब चलूंगा तो, लेकिन अब देखो मेरी ये जो नाती पोते हैं छोटे छोटे हैं, अब बोझा ढोना पड़ता है मुझे, खेती करते हैं, पर मैं नहीं रहूंगा तो खेती कौन करेगा, कम से कम 2-5 साल रुक जाओ संत जी, फिर आना, फिर मैं आपके साथ चलूंगा स्वर्ग, फिर भगवान की पूजा करूंगा। संत जी चले गए, संत जी 5 वर्ष बाद फिर आए तो देखा 5 वर्ष बाद वो बैल भी मर चुका था। संत जी ने फिर दिव्य दृष्टि से देखा तो वही मनुष्य आगे बैल बना, बैल बनने के बाद अब गधा बन गया था, और फिर भी उसी घर में रह रहा था जहां उसके नाती पोते रहते थे। अब फिर आ गए संत जी, क्यों भैया पहले तो इंसान था, अब बैल बन गया, बैल के बाद गधा बन गया, अब भी तेरी आत्मा नहीं भरी क्या परिवार से, अब तो चल। तुरंत वो गधा कहने लगा संत जी बस अब 5 वर्ष और रुक जाओ, बस अगली बार जब तुम आओगे ना पक्का चलूंगा, अब इस बार और थोड़ा नाती पोतों को देख लूं, ये सत्य घटना है। संत जी चले गए 5 वर्ष के लिए, और अंत में जब फिर संत जी लौट कर आए तो इस बार वो गधा भी मर चुका था, गधा भी खत्म। जब गधा मरा तो फिर आंख बंद करके संत जी ने देखा वो व्यक्ति कहां गया, तो संत जी ने प्राप्त किया कि उनके घर के सामने जो नाली है उस नाली में कीड़ा बन के डला है। पहले था मनुष्य, फिर बना बैल, माया हटी नहीं, बैल के बाद गधा बना, माया हटी नहीं, उसके बाद नाली का कीड़ा बन गया। संत जी गए उससे कहा धिक्कार है तेरे जीवन को, इतनी सारी योनियां गवा दी, अब तो चल मेरे साथ। वो व्यक्ति कहते हैं अभी भी माया नहीं गई, संत जी पे झल्ला उठा, संत जी भले ही नाली का कीड़ा बन के डला हूं, एक दो बार अपने नाती पोतों को तो देख लेता हूं, वहां स्वर्ग में जाके का करूंगा, किसको देखूंगा, कम से कम नाली का ही कीड़ा हूं, नाती पोते तो दिखते हैं। संत जी ने कहा मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए, और कोयला होए ना उजरा सो मन साबुन खाए। मूर्ख को समझाओगे तो ज्ञान बर्बाद होगा, क्योंकि कोयला को कितनी साबुन लगा दो वो कभी गोरा नहीं हो सकता, हो सकता कि माता जी? ऐसे ही ये मनुष्य है,
शास्त्र कहते इसको कितना समझाओ, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मनुष्य से कहते हैं कि भैया माया हटा ले, माया हटा ले, लेकिन मनुष्य की माया हटती ही नहीं, आंखों में माया का पर्दा डला है, और ये जो माया का पर्दा है वो हटता नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें भगवान नहीं मिलते, हमें इतनी पूजा करते हैं, हमें भगवान दिखाओ, हमें भगवान नहीं मिलते। कई लोगों को आपने देखा होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भी भगवान को पाना चाहते हो कि नहीं, जोर से बोलो हाँ कि ना। हाँ चाहते हैं गुरुजी पाना, भगवान को आप पाना चाहते हो, इतनी भक्ति करते हो, लेकिन जानते हो भगवान आज तक तुम्हें मिले क्यों नहीं? किसी ने देखा भगवान को? नहीं देखा होगा, ये फोटो में देखे हैं, बाकी किसी को नहीं मिले भगवान। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आज तक हमने सच्ची भक्ति भगवान की ही नहीं है। असल बात तो ये है, भगवान हमसे ज्यादा दूर नहीं। शास्त्र तो कहते हैं जितनी इन आंखों से ये पुतलियों की दूरी रहती है, इतनी हमारी भगवान से दूरी है। भगवान हमसे ज्यादा दूर नहीं है। मिले क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमें भगवान के प्रति इतनी भक्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ। आप लोग एक बात बताओ सच्चा, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हो, क्या उतना प्रेम भगवान से करते हो? सच सच बताना बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, जितना प्रेम तुम अपने बेटे और बेटी से करते हो, क्या उतना प्रेम भगवान से करते हो? बेटा अगर चार दिन के लिए आंखों से दूर हो जाए, बेटा अगर हॉस्टल में पढ़ना चले जाए, माँ दिन रात फोन लगाती है, कभी कभी खाना खाती है, आंसू आ जाते हैं, एक महीने हो गए मेरा बेटा दिखाई नहीं दिया, एक महीने हो गए बेटा दिखा नहीं, आ जाते कि नहीं आंसू? एक महीने के लिए बेटा छुप गया तो आंखों से आंसू आ गए। जन्म जन्म से परमात्मा छुपा है, लेकिन उसके लिए कभी आंसू नहीं आए। भगवान मिलेगा कब? आए क्या माता जी? एक माता जी को मैंने देखा, वो कथा सुनाता था मैं, तो वो सामने बैठ के खूब रोती थी, सामने बैठी रहती थी और कथा सुनते सुनते रोती थी। अब मुझे और अच्छा लगता था, मैंने कहा देखो माता जी रोती हैं, कथा अच्छी लगती है इनको, खुशी होती है ना उनको देख के। मैं माता जी को देख के अच्छे से कथा सुनाता था। एक दिन मैंने माता जी से कहा, माता जी बड़ी अच्छी हो आप तो, रो रो के कथा सुनती हो। माता जी कहने लगी, गुरुजी हाँ रोती हूँ, जब तक पड़ोसन ने बताया, बोले गुरुजी इसकी बातों में मत आना, झंडू बाम लगा के आती है आंखों में रोने के लिए। तो मैंने उन माता जी से कहा, मैंने कहा माता जी ये झूठा दिखावा क्यों करती हो, झंडू बाम क्यों लगाती हो? उन माता जी ने, माता जी बड़ी सुंदर बात कही, जिंदगी जीने की सीख मिल गई। उन माता जी ने कहा, गुरुजी भगवान ने माया के कारण ये इतनी आंखें बुरी बनाई हैं कि इनसे आंसू निकालना चाहो तो आंसू निकलते नहीं हैं। इतना कठोर भगवान ने बनाया है, तो मैं आंखों को दंड दिया करती हूँ, आंखों को जबरदस्ती झंडू बाम लगा लगा के रुलाया करती हूँ कि ये आंखें संसार को छोड़कर खूब संसार के लिए रो लिया, एक बार कान्हा के लिए तो रो, एक बार भगवान के लिए तो रो, इसलिए रुलाया करती हूँ आंखों को जबरदस्ती। वो भी माता जी की भक्ति थी, ठीक ही नहीं, रुलाया करती थी। हाँ शास्त्र कहते हैं भगवान हमसे ज्यादा दूर नहीं है, भगवान हमारे पास है, बस हमने भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा। आज के लोगों को जितना अपने बेटा बेटियों से प्रेम है, अगर उसका आधा प्रेम भी भगवान से हो गया तो भगवान तुम्हारा कल्याण कर देंगे, अगर आधा प्रेम भी हो गया तो। और जो लोग कहते हैं गुरुजी हमें तो बेटे के बराबर भगवान से प्रेम है, अभी आपका बेटा आपके पास आए और बेटा आके कहे गुरुजी इस घर में मैं रहूंगा या ये भगवान रहेंगे, तुमसे बोले माताजी इस घर में मैं रहूंगा या भगवान रहेंगे, तो बताओ क्या करोगे? जैसे तुम्हारा बेटा इकलौता बेटा हो तुम्हारा ये कही, और वो बेटा आके कहे कि माताजी या तो इस घर में मैं रहूंगा या इस घर में भगवान रहेंगे, तो क्या करोगी? सच सच बताओ। बिल्कुल 9 महीने जिसको गर्भ में जन्म दिया वो हमेशा के लिए छूट जाएगा, बताओ क्या करोगी? एक तरफ भगवान एक तरफ बेटा बेटी है, क्या करोगी? सच सच बताओ। समय दूं सोचने का आपको, बताओ क्या आप बताओ भैया क्या करोगे?
आप ये करोगे कि ये भगवान तो मैं पूजने वाले तो संसार है, अब बेटा तो एक ही मिला बड़ी मुश्किल से, आपको तो मन ही मन में पूज लूंगा, बेटा भग गया तो क्या करेंगे। बेटे को घर में रख लोगे और भगवान को छोड़ दोगे। शास्त्र कहते हैं ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं। आदमी को जितना प्रेम अपने बेटा बेटियों से है, अगर उसका आधा प्रेम भी भगवान से हो गया, उसी दिन कान्हा तुम्हें दर्शन दे देगा। कान्हा सामने आकर खड़ा हो जाएगा उसी दिन, जिस दिन आधा प्रेम हो गया। बस प्रेम करके तो देखो, तुमने भगवान से प्रेम किया नहीं और तुम्हें भगवान मिले नहीं। फिर कहते हो भगवान मिलते नहीं है, भगवान दिखते नहीं है। तुमने भगवान को देखना ही नहीं चाहा, तुमने भगवान को पाना नहीं चाहा। समझ में आया माता जी कि नहीं आया कुछ? हाँ, सबसे पहले भगवान को पाने के लिए भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। क्योंकि एक बात और याद रखना, मेरी ये बात ध्यान से सुनना, तुम जितना प्रेम बेटे बेटियों से करते हो, एक बार ये हो सकता है कि समय आने पर बेटा बेटी धोखा दे दे। बेटा बेटियों से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। दशरथ जी का नाम सुना? दशरथ जी को जानते हो? उनके बेटा कौन थे? राम जी थे कि नहीं? वसुदेव जी और देवकी को जानते हो? उनके बेटा कौन थे? कृष्ण जी। राम जी के जो पिता हैं, उनको भी राम राम कह के मरना पड़ा। मरना पड़ा कि नहीं? वसुदेव जी जो कृष्ण के पिता हैं, उन्हें भी जेल में रहना पड़ा, कारागार में रहना पड़ा। भगवान के माँ बाप को तो सुख मिला नहीं, तो आज की कलयुगी संतान से तुम्हें सुख मिलेगा? जिनके लड़के बच्चे भगवान थे, उन माता पिता को तो सुख नहीं मिला, इन कलयुगों से 10 बजे के बाद व्हाट्सएप फेसबुक चलाने वाले लड़कों से सुख मिलेगा तुम्हें? जो ये 10 बजे के बाद ऑनलाइन होते, ये सुख देंगे तुम्हें जीवन में? ये कल्याण करेंगे तुम्हारा? और इनके पीछे मेरा बेटा मरे जा रहे ना। माता जी मेरी बातें कड़वी हैं, जितना प्रेम बेटों से करते हो उसका आधा भगवान से करो, क्योंकि समय आने पर बेटा धोखा दे देगा, लेकिन मेरा कान्हा कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो कभी धोखा नहीं देगा आपको, बेटा दे देगा। मेरे गुरुजी सिखाते थे, हमेशा कहते रहते थे, कथा बताते थे, बोले एक पिताजी के कोई दो बेटे थे, एक माताजी थी। अब पिताजी की मृत्यु हो गई, समय आने पर माताजी ने बेटों से कहा, बेटा एक काम करो, ये जो पिताजी की अस्थियां है ना, ये अस्थियां तुम लोग बहा आओ गंगा जी में। बेटों ने कहा, देखो माँ, हम लोग विज्ञान के पढ़े लिखे लड़के हैं, हम लोग ये सब नहीं मानते, कहां ये बहाओ वो बहाओ, गए पिताजी, बस खत्म। माताजी ने कहा, ना बेटा, तेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, तू अपने लिए नहीं तो मेरे लिए सही, मेरे पतिदेव को कम से कम गंगा जी में छोड़ आ। दोनों बेटों को बड़ा गुस्सा आया, अरे पिताजी एक तो जीते जी परेशान करते थे, अब मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। जबरदस्ती ले ली मटकी वो अस्थियों से भरी, ध्यान से सुनना, कहा लाओ दो, छोड़ आता हूं, 15 किलोमीटर तो गंगा जी है, ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर थी। अब दोनों बेटों ने मुंह बना के वो अस्थियां ली पिताजी की, और पिताजी की अस्थियां लेके चल दिए बेटे। रास्ते में अभी 8 किलोमीटर ही चले थे कि एक नाला बहते हुए दिखाई दे रहा था। एक भाई बोला, क्यों भैया ये नाला कहां जा रहा होगा? दूसरे बोला, भैया नाला सब मिलते कहां है, नदियों में मिलते हैं, जाके ये नाला गंगा जी में मिलेगा। तो भैया फिर 7 किलोमीटर और क्यों जाएंगे, 8 किलोमीटर तो आ ही गए हैं, यही नाले में डाल दो पिताजी को, बह के चले जाएंगे गंगा जी। उसने बोला, हाँ हाँ ये सही बात है। तुरंत लिया मटकी को और पिताजी को डाल दिया नाले में। अब जैसी रात हुई तो पिताजी ने सपना दिखाया उन अपनी पत्नी को, बोले सुनो अपने बेटे बड़े मूर्ख हैं। उसने सपने में कहा, क्या हुआ पतिदेव? बोली ये हुआ कि 8 किलोमीटर गए थे, 7 किलोमीटर बस गंगा जी बची थी, मुझे नाले में छोड़ के आ गए हैं, नाले में बह के आया हूं गंगा जी तक। अब तो उस माँ को बड़ा गुस्सा आया, दूसरे दिन बेटों के पास गई, क्यों रे मूर्ख, पिताजी को नाले में बहा के आ गए तुम लोग? बेटों ने कहा, माता जी तुम्हें किसने बताया? पिताजी आए थे सपने में, सब बता रहे थे कि तुम लोग नाले में बहा आए हो उनको। अब देखो कलयुगी बेटे कैसे होते, तुम लोग नाली में बहा आए हो,
बेटों ने कहा माताजी पिताजी ने जीते जी भी जान खाई और मरने के बाद भी जान खा रहे हैं। बताओ 8 किलोमीटर दूर छोड़ के आया था, 8 किलोमीटर लौट के सपना देने तुम्हारे पास आ गए, उससे अच्छा 7 किलोमीटर और चल के गंगा जी ही चले गए होते। 8 किलोमीटर लौट के तुम्हें सपना देने आ गए, ऐसे ही पिताजी परेशान करते हैं, ये नहीं कि 7 किलोमीटर और चल के गंगा जी चले गए होते। आज की संतान माताजी ऐसी है, भगवान जिनके बच्चे थे उन माता पिता को संतान से सुख मिला नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा। अभी भी समय है, जागो और अपने मन को प्रेम करो बच्चों से, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा प्रेम निकाल कर मेरे भगवान से भी प्रेम करना शुरू करो, जीवन सवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, उनसे भी करो। इतनों से करते हो थोड़ा भगवान से भी कर लो, वो भगवान से प्रार्थना कर लो, कीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान अभी तक जो गलती हुई तो हुई, लेकिन अब तुम्हारे चरणों में आना चाहता हूँ, अब तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भक्त वत्सल हो, आज तक कभी भक्तों को ठुकराया नहीं है। विभीषण भी जब शरण में आए तो लंका का राजा बना दिया आपने। जब आपके पास सुग्रीव शरण में आया तो आपने किष्किंधा का राजा बना दिया। जो आपकी शरण में गया है आपने राजा बना दिया है। भगवान हम भी आपकी शरण में हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और एक भक्त भगवान से क्या भाव कह रहा है आप भी जरा कहिए, कीर्तन करिए, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। तेरे संग में रहेंगे वो मोहिनी, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में कैसे? बोले भगवान तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, ऐसी कृपा करना कि अगर तुम चंदन बनो तो मैं पानी बनूं। और भगवान मिलेंगे कहां? मस्तक पर मिलेंगे वो मोहना, मस्तक पर मिलेंगे। जरा प्रेम से, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में
पत्थर भी नहीं मिले और आपने नहीं बनाया। तो मैंने सुना है कि आपको मुरली बहुत पसंद है। एक काम करो, आप अगर मुरली बनो तो मुझे तान बना लेना। आप मुरली बनो और मुझे तान बना लेना। मिलेंगे कहाँ? बोले अधरों पर मिलेंगे ये मोहना। बना लोगे तो आपके अधरों पर मिलेंगे। जरा प्रेम से तो भगवान तुम वक्ता बन जाना, बोलने वाले, और हमें श्रोता बना लेना। और मिलेंगे कहाँ? बोले भगवान भागवत में मिलेंगे वो मोहना। जहाँ मिलना होगा? बोले भागवत में मिलेंगे। जरा प्रेम से तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनो। तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनो। तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना। सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु
तड़ेद्युति विनिंद पीताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले भक्त, साधना चैनल के माध्यम से देखने वाले भक्त, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में मैं अपने कान्हा का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। राधे 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 राधे। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, 5 दिन से अविरल भागवत की कथा बह रही है और आज हम 5वें दिन के अंतिम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 2 दिन की और ये भागवत कथा है। कहते हैं जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो हमारे मन का कचड़ा निकल जाता है, जो मन का मैल होता है। आपके यहाँ माताजी नदी है, आपके गांव के किनारे आपने देखा होगा नदी के किनारे कुछ कचड़ा ऐसा रहता है जो साल भर अपनी जगह बनाए रहता है, वहीं पे किनारे में लगा रहेगा। आपने देखा होगा नदी में किनारे में कचरा लगा रहता है साल भर, पूरे साल कहीं नहीं जाता, और जैसे ही उस नदी में बाढ़ आती है तो लगा हुआ इकट्ठा कचरा भी बह जाता है, भाग जाता है, चला जाता कि नहीं। जैसे उस नदी में कचरा जगह बनाकर रहता है, वैसे हमारे हृदय में भी काम क्रोध लोभ मोह का कचरा जगह बनाकर रहता है, हमारे हृदय में रहता है। और ये भागता कब है? जैसे वहां नदी में बाढ़ आती है तो कचरा भाग जाता है, वैसे ही जब भागवत रूपी गंगा की बाढ़ आती है तो ये मन का कचरा भी भाग जाता है, पवित्र हो जाता है मन। जैसे वो नदी का कचरा भाग कर नदी पवित्र हो जाती है, वैसे ही ये हमारा मन जन्म जन्म के लिए पवित्र हो जाता है, पवित्रता इस मन में आ जाती है। अगर आपने जीवन में भागवत सुनी होगी तो आप देखोगे, भले ही आपको खुद को समझ में ना आए, लेकिन अगर आपने 7 दिन भागवत सच्चे मन से सुनी है तो आप चाहे जितने पापी और दुष्ट रहे होंगे, लेकिन जब भागवत की कथा 7 दिन सुनोगे और 7 दिन बाद कभी किसी को मारने का मौका आएगा, किसी जीव जंतु को, तो अपने आप तुम्हारे हाथ कपेंगे। तुम चाहोगे कि मैं मारूं, लेकिन तुम्हारा अपने आप मन कहेगा, ऐसी पवित्रता सी आ जाती है कि मन कहता है कि नाना ये जीव में भी तो भगवान है, इसके साथ मैं गलत क्यों करूं, इस जीव के साथ गलत क्यों करूं। कहते हैं 7 दिन की जब भागवत कोई सुनता है तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो ज्ञान हमारे हृदय में जाके बैठ जाता है और हमारी और हृदय और बुद्धि को पवित्र कर देता है, निर्मल कर देता है हमारी बुद्धि को वो ज्ञान, अगर हमने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी है तो। आप सबने सुबह सुना भगवान अनेक प्रकार की सुंदर माखन लीलाएं कर रहे हैं। आज मैया ने सुबह भगवान को स्नान कराया है, स्नान कराकर तिलक लगाया है, भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया है और बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान जब सुबह उठते हैं प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। जब भगवान सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? बोले जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी हम अपने माता पिता को प्रणाम करें, कोई गुरुजनों को प्रणाम करें, या अपने से बड़े जो भी, जब हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं। शास्त्र कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। शास्त्र कहते हैं जब हम अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, कभी बड़ों के पैर दबाते हैं, कभी अपने माता पिता के पैर दबाते हैं, कभी अपने से बड़ों के पैर दबाते या छूते हैं, तो हमारी 4 चीजें बढ़ती रहती हैं। क्या? बोले अभिवादन शीलत्या नित्यम वृद्धो पशे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। सबसे पहले जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। कई लोगों को मैंने देखा वो दूसरों के पैर छूने में बड़े शर्माते हैं। उनसे कहोगे बेटा जाओ उनके पैर छू लो तो बेटे को शर्म लगती है, और जाएगा भी तो एक हाथ से ऐसे घुटने को छू लेगा,
उससे अच्छा तो छुए ही ना पैर। भाई पैर छूने का नियम होता है अपने सर को दूसरे के पैर में रख देना। पैर छूने का नियम ये नहीं कि घुटने एक हाथ से छुए लो पैर छू गए। पैर छूने का मतलब होता है अपने इस सर को जिसके हम पैर छू रहे हैं उसके पैरों में रख देना, वो होता है प्रणाम करना, पैर छूना। जब व्यक्ति पैर छूता है तो सबसे पहले उसकी आयु बढ़ती है। जिसकी उम्र कम भी हो, भगवान ने छोटी सी उम्र भेजी हो, अगर वो व्यक्ति भी रोज अपने से बड़ों को प्रणाम करता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। किसकी बड़ी? बोले मृड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की आयु बड़ी। 18 पुराणों में से एक पुराण है मार्कंडेय पुराण, उसको मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। ये जो मार्कंडेय जी जब जन्मे थे माता जी, तो इन मार्कंडेय जी की आयु 5 वर्ष की थी। शिव जी ने वरदान दिया था मृड ऋषि को, मूर्ख पुत्र चाहिए कि समझदार। इन्होंने कहा समझदार, तो बोले 5 वर्ष वर्ष रहेगा। इन्होंने कहा ठीक है। 5 वर्ष के लिए एक बच्चा पैदा हुआ और मृड ऋषि को पता था कि ये 5 वर्ष में मर जाएगा। ध्यान से सुनना, जैसे ही उस बच्चे के 4 साढ़े 4 वर्ष हुए, माता पिता को चिंता सताने लगी, अब ये बच्चा मर जाएगा। शंकर जी ने कहा था कि 5 वर्ष की आयु है, ये मरेगा। चिंता सताने लगी। तुरंत मृड ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, देवी चिंता मत करो, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है चाहे कोई रोगी हो, चाहे कोई अल्प मृत्यु का हो, चाहे जिसकी आयु कम हो, अगर वो अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। एक काम करो, उस छोटे से मार्कंडेय को सिखाया, बेटा एक काम किया करो, जब भी घर के बाहर से कोई संत निकला करें तो उनके चरण छू लिया करो, उनके पैर छू लिया करो संतों के। मार्कंडेय ऋषि छोटे से बच्चे, 4.5 साल का बच्चा कितना होता है, रोज अपने घर के बाहर खड़े हो जाते, कोई भी साधु महात्मा निकलते तो उनके पैर पकड़ लेते, महात्मा जी प्रणाम। कहते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। एक दिन नारद जी जा रहे थे घर के बाहर से, जैसे ही नारद जी निकले तो इस बच्चे ने नारद जी के पैर छुए, नारद जी प्रणाम आपको चरण छूकर। जैसे ही नारद जी ने देखा इतना छोटा सा बच्चा पैर छू रहा है, नारद जी ने कहा, बेटा तुझे माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, जा सतम जीवे में सरदा, तेरी 100 वर्ष की आयु हो जा, कितने अच्छे संस्कार है। वो बेटा अपनी तोतली वाणी में बोला, नारद जी आपने कह तो दिया कि 100 वर्ष जियो, लेकिन मेरे माता पिता कहते हैं मेरी आयु तो 5 वर्ष की है, मेरे माता पिता कहते 5 वर्ष में मर जाऊंगा। वो 4.5 वर्ष का तो हो गया। वो ब्रह्म वाक्य जनार्दनम कहते हैं, ब्राह्मण के मुंह से जो वाक्य निकल गया, मान लो भगवान विष्णु के मुंह से निकल गया। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, जनार्दन के मुंह से निकल गया। तो भगवान आपने कहा है तो या तो आपकी बात गलत होगी या ब्रह्मा जी ने जो 5 वर्ष की आयु भेजी वो गलत होगी। नारद जी को चिंता हो गई, सही बात है 5 वर्ष आयु थी, मैंने कह दिया 100 वर्ष जी जाओ। नारद जी दौड़े दौड़े उस बच्चे को लिया, चल बेटा अभी मैं फंसा था, दूसरे को फंसवाऊंगा। दौड़े दौड़े गए नारद जी लेकर बच्चे को ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास। बोले जाना और एक काम करना, ब्रह्मा जी के पैर छू लेना सीधे, कुछ मत बताना मैं कौन हूं। गया वो बच्चा और ब्रह्मा जी बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। बच्चा गया और जाकर ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गया, प्रणाम करने लगा, ब्रह्मा जी आपको प्रणाम। ब्रह्मा जी ने देखा, वाह कितने अच्छे संस्कार तुझे माता पिता ने दिए हैं, कितना सुंदर बालक है, आशीर्वाद देता हूँ सतम जीवे में सरदा, 100 वर्ष जियो, 100 वर्ष तुम्हारी आयु रहे, जुग जुग जियो। तुरंत नारद जी बोले, पिताजी मैं तो फंसा ही था, मैंने आपको भी फंसा दिया, ये जो बच्चा है ना इसकी उम्र 5 साल की, आपने भी कह दिया 100 साल, इसकी सुंदरता में ऐसी चक्कर में फंस जाते हैं सब, ये लगता छोटा सा बड़ा खोटा है, इसकी आयु 100 वर्ष की कह दी आपने, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी अब तो विधान गलत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो फंसा ही हूँ, सृष्टि को चलाने वाले विष्णु जी को भी फंसा देता हूँ। लेके गए, इस शास्त्र की कथा है, लेके गए जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम किया, विष्णु भगवान के भी मुंह से निकल गया 100 साल जियो, फंसा दिया भगवान आपको भी, हम तीनों हो गए अब चक्कर में, अब या तो हम गलत होंगे या इसकी आयु। अंत में सबने विचार किया, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, अब उन्हीं ने 5 साल की आयु दी है तब उन्हीं को और फंसा दो,
बची। ब्रह्मा जी विष्णु जी और नारद जी लेकर गए मार्कंडेय को। भगवान शिव बैठे हैं, बैठकर राम जी का ध्यान कर रहे हैं, मन में राम राम जप रहे हैं। अचानक बालक गया और बालक ने जाकर शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी प्रणाम। जैसे ही शिव जी ने देखा कि बालक प्रणाम कर रहा है, शिव जी ने कहा वह कितना सुंदर बालक है, तेरी आयु लाखों करोड़ों वर्ष की हो जाए, तेरी आयु लाखों करोड़ों वर्ष की। तुरंत उन्होंने बोला प्रभु हम तो 100 वर्ष में फंसे थे, 5 से हमने 100 की थी इसकी, तुमने तो सीधे लाखों करोड़ों कर दी एकदम से, लेकिन इसके तो विधान में 5 वर्ष लिखा है और आपने ही तो कहा है कि इसकी आयु 5 वर्ष की रहेगी। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी अगर इसने प्रणाम किया है तो प्रणाम करने से इसकी आयु इतनी रहेगी जितनी आयु मेरे दिनों के हिसाब से है। कैसे? शंकर जी का एक दिन कितना होता है पहले वो समझ लीजिए। शंकर जी ने कहा मेरे दिनों से इसकी 5 वर्ष की आयु रहेगी। कैसा दिन होता है शंकर जी का कि एक ब्रह्मा की आयु में और बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते तभी शंकर को दिन एक। एक ब्रह्मा जी की माता जी इतनी आयु रहती है कि हजारों कल्प बीत जाते हैं, इतनी आयु एक ब्रह्मा जी की रहती है, और 10 ब्रह्मा बीते तभी शंकर को दिन एक। जब 10 ब्रह्मा जन्म लेकर मर जाते हैं तब शंकर जी का सिर्फ एक दिन होता है, शास्त्र कहते हैं। और शंकर जी ने कहा इन वर्षों के हिसाब से आयु जोड़ो, ऐसे दिनन के मास गिन, मासन के पुनी वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष तक बालक सुखी सहर्ष। तुरंत शिव जी ने कहा मेरे इन वर्षों से तुम जोड़ो और इन वर्षों से जोड़ा जाएगा तो करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे और प्रणाम करने का ये पुण्य है कि ये 5 वर्ष का बालक अब करोड़ों वर्ष तक जिएगा और अपना खुद का पुराण लिखेगा जिसे मार्कंडेय पुराण कहा जाएगा, खुद का पुराण। और वहीं बालक बड़ा होकर एक ऋषि बना है जिसे हम मार्कंडेय ऋषि कहते हैं और उन्होंने अपना पुराण लिखा है जिसे मार्कंडेय पुराण कहा जाता है, जिससे दुर्गा सप्तशती निकली है। जो हम देवी जी की पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती, वो मार्कंडेय पुराण से निकली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं या अपने बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले उनकी आयु बढ़ती है, दूसरा प्रणाम करने से आयु विद्या बच्चे की विद्या बढ़ती है। लिखा है जो विद्या गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। आपने पढ़ा होगा किसी ने राम जी से कहा राम जी आपने बता दिया भगवान हो, राम जी ने कहा क्यों, बोले आप आधे समय में विद्या प्राप्त करके आ गए, आधे समय में तो भगवान ही विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तब राम जी ने कहा कि मैंने आधे समय में विद्या प्राप्त की तो इसलिए नहीं की कि मैं भगवान हूं, बल्कि इसलिए की कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, माता पिता और बड़ों को प्रणाम करने का ये फल है कि मेरी विद्या और बुद्धि बढ़ गई जिससे आधे समय में मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रणाम जब माता जी ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाया करो, अपने बच्चों को बेटा जब कोई संत महात्मा दिखे तो उन्हें प्रणाम करो, अपने माता पिता को रोज प्रणाम करो, अगर 5 मिनट या 2 मिनट झुक लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सबसे पहले सुबह उठो, अपनी पढ़ाई करने से पहले अपने माता पिता के पैर छुओ और जब पैर छुओगे तो आयु बढ़ेगी, आयु के बाद विद्या बढ़ेगी। लड़का कितना बड़ा मूर्ख हो आज उपाय बता रहा हूं, 6 महीने रोज माता पिता और संतों के पैर छुआ कर देखो, 6 महीने बाद बुद्धिमान बन जाएगा, ज्ञानवान बन जाएगा वो बच्चा, बुद्धि तेज चलने लगेगी उसकी, कोई दवाई की जरूरत नहीं, ऐसे ही। और प्रैक्टिकल है, चेक कर लेना। जैसे ही कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपने से बड़ों के पैर पड़ता है उसकी विद्या बढ़ती है। तीसरा बताया जब पैर पड़ते हैं तो यश बढ़ता है, और चौथा बताया जब हम दूसरों को प्रणाम करते हैं तो हमारा बल बढ़ता है, हम बलवान बनते हैं। ये शास्त्रों का नियम है, हमें हमेशा बल रहता है। इतने बलवान हम रहते हैं क्या? बोले प्रणाम करने से।
इसलिए कभी भी शास्त्रों में लिखा है सुबह जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो। 5 मिनट लगते हैं, गुरुजन है भी नहीं तो हाथ जोड़ के ही आंख बंद करके प्रणाम कर लो। इतने सालों से जो तुम्हें ज्ञान और आयु नहीं मिली होगी वो ज्ञान और आयु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हाँ मिल जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद गौएं चराने जाते हैं। रोज जब भगवान लौट कर आते हैं तो मैया यशोदा 100 गायों का दूध 50 गायों को पिलाती है, उन 50 गायों का फिर दूध निकालती है तो 25 गायों को पिलाती है, उन 25 का दूध निकालती है तो 10 गायों को पिलाती है, 10 गायों का फिर दूध निकालती है तो वो 5 गायों को पिलाती है, और उन 5 गायों का दूध निकालती है तो एक कपिला गाय को पिलाती है, और उसका जो दूध निकलता है वो मेरे कन्हैया को पिलाती है, भगवान को पिलाती है मैया यशोदा। वो दूध कान्हा को पिलाती है, 100 गायों से 50, 25, 10, 5 और वो पीते हैं। तुरंत सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, गुरु जी ये जो मैया यशोदा है ये मैया यशोदा कौन है, ऐसे कौन से पुण्य इस मैया यशोदा ने किए हैं कि आज कन्हैया इस मैया यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, आज मैया यशोदा इतनी सेवा प्राप्त कर रही है, ये मैया यशोदा कौन है। तब श्री सुखदेव जी ने माँ यशोदा का पूर्व जन्म सुनाया, माँ यशोदा को कृष्ण की प्राप्ति क्यों हुई, बताया ये जो माँ यशोदा हैं ये पूर्व जन्म में एक रानी थी, प्रश्नी और सुतपा थे, ये हमेशा भगवान का भजन करते थे। इन्होंने अपने राज्य को छोड़कर मैया यशोदा जंगल में रहने लगी थी, वहीं रहती थी अकेली। एक दिन मैया यशोदा के घर में कोई संत जी आए, उन संतों ने आकर मैया यशोदा से कहा यशोदा हमें भोजन करा दो। मैया यशोदा ने घर के अंदर जाकर देखा घर में कुछ था नहीं, रसोई में पतिदेव घर में नहीं थे। संत हमारे घर में आए हैं, अगर संतों को भोजन के बिना पहुंचाएंगे तो पाप लगेगा, और संतों को तो भोजन कराना ही है। मैया यशोदा ने संतों से कहा संत जी आप कुछ देर यहीं घर में रहिए, मैं अभी आती हूँ और आकर भोजन बनाती हूँ। मैया यशोदा बाजार में गई एक सेठ के पास, सेठ से जाकर कहा सेठ जी आप मुझे कुछ उधार सामान दे दो, मेरे घर में संत जी आए हैं, उन संतों को भोजन कराना है, फिर मैं आपके पैसे दे दूंगी। वो जो सेठ था वो बड़ा बुरे किस्म का आदमी था, उसने कहा यहाँ उधार कुछ भी नहीं मिलता, जो भी मिलता है पैसे दो और ले जाओ। मैया यशोदा ने कहा कि ना मेरे पास पैसे तो नहीं है, संत जी घर में आए हैं, अगर खिलाएंगे नहीं तो पाप लगेगा, आप दे दो पर आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगी, जितना धन मांगोगे दे दूंगी। वो सेठ जरा बुरे किस्म का था, उस सेठ ने कहा तू चाहे तो अभी धन दे सकती है। क्या दे सकती हूँ? तुरंत उस सेठ ने मैया यशोदा के आंचलों की ओर इशारा किया। शास्त्र कहते हैं मैया यशोदा संतों को भोजन कराना चाहती थी, इतनी निश्चल मैया यशोदा पूर्व जन्म में थी। मैया यशोदा ने वहीं एक चाकू पड़ी थी, चाकू से अपने एक स्तन को काटा और सेठ की तराजू में रख दिया। ले सेठ जो तू चाहता है ले, और सामने रख दिया मैया यशोदा ने। डर गया वो सेठ, पागल ये थोड़ी मांगा था, तूने ये क्या कर दिया, तू पागल है, ले जल्दी से सामान ले और जा जल्दी यहां से। मैया यशोदा खून से लथपथ हो गई, रक्त शरीर से बहते जा रहा है, उस सामान को लेकर घर आ गई, संतों को भोजन जो कराना है इतना त्याग। घर आ गई, घर में आके संतों ने कहा मैया यशोदा से क्या हुआ बेटा, तेरे शरीर से खून क्यों निकल रहा है, इतना रक्त क्यों बह रहा है, तुझे क्या हुआ। मैया यशोदा ने कहा संत जी पहले भोजन बनाती हूँ, आप भोजन कर लीजिए उसके बाद सब बताऊंगी। मैया यशोदा ने अनेक प्रकार के भोजन बनाए, दाल चावल कचौड़ी खीर, संतों को खूब भरपेट पवाया मैया यशोदा ने। रक्त गिरते जा रहा है लेकिन अपनी फिक्र नहीं है, संतों को भोजन कराना है, धर्म कमाना है, इसकी फिक्र है। और जब पूरा भोजन करा दिया अंत में संतों ने हाथ पकड़ लिया, अब तो देवी बता क्या हुआ,
क्यों तुझे इतना रक्त निकल रहा, शरीर से खून बह रहा है, वैद्य के पास क्यों नहीं जा रही है, बता हुआ क्या। मैया यशोदा ने पूरा वृतांत बता दिया, सेठ ऐसा था, मैंने ऐसा किया और मैं अपने एक स्तन को आंचल को काट कर दे आई। जैसे ही संतों ने सुना कि हमें भोजन कराने के लिए और इसने अपने स्तनों का दान कर दिया, अपने आंचलों का दान कर दिया, आंचल दे दिए, वो संत रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे और संतों ने कहा, मैया यशोदा आज तूने हमारे लिए इतना त्याग किया है कि अपने स्तनों को काट दिया, समय आने पर हम वरदान देते हैं कि इन्हीं स्तनों का पान करने के लिए स्वयं भगवान जन्म लेंगे और तेरे इन्हीं दुग्ध का पान करेंगे, इन्हीं स्तनों का पान करेंगे। जिनका आज तूने दान किया है समय आने पर भगवान जन्मेंगे और वहीं भगवान तेरा कर्जा चुकाएंगे। आज जो संतों को तूने भोजन कराया है वो कर्जा तेरा भगवान चुकाएंगे। मैया यशोदा कोई साधारण नहीं है, मैया यशोदा ने बड़े अच्छे कर्म किए हैं तब आज भगवान को खिलाने को मिल रहा है, भगवान को स्तनपान करा रही हैं, भगवान की सेवा कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक माँ जितना बच्चों के लिए त्याग करती है उतना संसार में कोई नहीं कर सकता। एक जो माँ होती है माता जी, वो संसार में जितना त्याग, घर में अगर चार रोटी हो और खाने वाले चार हो तो सिर्फ माँ अकेली है जो कहेगी आज मुझे भूख नहीं लगी, बेटा तुम लोग खा लो ये चार रोटी, आज मुझे भूख नहीं लगी। संसार में सुखदेव जी कहते हैं जो त्याग माँ कर सकती है, माँ के अलावा बच्चों के लिए वो त्याग कोई नहीं कर सकता। कर सकता क्या माता जी? माँ वो है, बच्चा दौड़ के इधर उधर भागता है लेकिन बच्चा जब तक खाना ना खा ले तब तक माँ भोजन नहीं करती, और जब वही माँ मर जाती है उसके बाद तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भूखे हो क्या कर रहे हो किसी को कोई मतलब नहीं है, होता कि नहीं माता जी? जो माँ ने भोजन कराया, जो माँ ने उपकार किया, संसार में वो उपकार कोई नहीं चुका सकता, कभी नहीं। और आजकल आपने देखा होगा माता पिता ने बच्चों को इतना पाला और वहीं माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे उन्हें छोड़ देते कि नहीं माता जी? फिर बहू आती है, फिर बहू के ज्ञान में ऐसे लगते हैं, बचपन में दो भाई लड़ते हैं, ये जो माँ है ये मेरी है, ये मेरी है, दो बच्चे रहेंगे ना तो वो लड़ते हैं छोटे में, हाँ माँ के साथ मैं सोऊंगा, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और वहीं जब माँ बूढ़ी हो गई, बच्चे बड़े हुए तो फिर कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, तू रख, वो कहता नहीं तू रख, ये तेरी है। जब बड़े हो जाते हैं तो वहीं बच्चे अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं, अपने माता पिता का एहसान भूल जाते हैं, भूल जाते कि नहीं माता जी? वहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, एक दृश्य में दिल्ली गया था कथा करने, वहां दिल्ली में मैं आया तो मैंने एक माता जी से कहा, कल सातवां दिन है, अब तो सातवें दिन कल भंडारा होगा, आप भोजन करना। उन माताजी ने कहा, गुरुजी कल रविवार है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले, गुरुजी मैं चार साल बाद कल रविवार को खाना खाऊंगी। मैंने कहा क्यों माताजी? ऐसी हृदय विदारक घटना उन्होंने बताई। माताजी ने कहा, गुरुजी मैं जो हूं ना, मैं पहले सरकारी नौकरी में थी गुरुजी, पेंशन मुझे मिलती नहीं थी, किसी कारणों से कोई ऐसी नौकरी रही होगी, बेटों ने खूब सब किया, मेरे पति देव मर गए, जब थोड़े से बेटे बड़े हुए तो दोनों बेटों ने संपत्ति ले ली आधी आधी, अब मैं बची अकेले, दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी, तेरी भी माँ है, तेरी भी माँ है, दोनों भाइयों ने बांटा कि आधे दिन तुम्हारे यहाँ रहेगी, आधे दिन हमारे यहाँ रहेगी। एक हफ्ते में गुरुजी सात दिन होते हैं तो एक भाई मुझे तीन दिन खाना खिलाता है, एक भाई मुझे तीन दिन खाना खिलाता है, छह दिन मैं खाना खाती हूँ और एक दिन मुझे भूखा रहना पड़ता है। बिल्कुल सच्ची घटना है ये। आज के बच्चे ऐसे हैं, कहा दो भाई है, एक गुरुजी तीन दिन खिलाता है, एक तीन दिन खिलाता है, सातवें दिन दोनों बच्चे कहते कि अब कौन खिलाएगा, तो बच्चे खाना नहीं खिलाते, गुरुजी कल भागवत का भंडारा है तो चार साल बाद अब भोजन करूंगी रविवार को, नहीं तो रविवार के दिन तो भूखा रहना पड़ता है।
ऐसे कलयुगी जब बच्चे संसार में रहते हैं तब इस पृथ्वी का विनाश होता है। जब ऐसे राक्षस बच्चे रहते हैं, जिन माँ ने बच्चा पैदा होता है बिस्तर गीला करते हैं बच्चे, सूखे में माँ सुला देती है बच्चे को, खुद गीले में सो जाती है। छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा दूध पीता है तो एक तरफ दूध पीते जाएगा, एक तरफ लात मारते जाता है सीने में, कभी देखा होगा छोटे बच्चे को। फिर भी माँ उसको कभी गुस्सा नहीं करती, दूध पिलाते जाती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, लात खाकर भी अगर कोई दूध पिला सकती है तो संसार में सिर्फ माँ है, उसके अलावा कोई नहीं है। जो बच्चे की लात खाकर भी बच्चा कितना गलत कर दे, माँ को मार दे, पिता को मार दे, लेकिन संसार में कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे का गलत सोचे, कह दे कि मेरा बच्चा मर जाए, मेरे बच्चे की ये साथ हो जाए। बच्चा चाहे माता पिता का कितना अपमान कर दे, माँ का कितना अपमान कर दे, लेकिन कभी भी माता पिता बच्चे को गलत नहीं कहते। कहते क्या माता जी? कहते हैं माँ की दुआ खाली नहीं जाती, ये तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी माँ पाल लेती है चार बच्चों को, पर चार बच्चों से भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। बर्तन अगर बच्चे छोटे हैं, पतिदेव खत्म हो गए हैं, तो माँ अकेली लोगों के घर में बर्तन धो धो कर और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, घर में कुत्ता बिल्ले की रखने की जगह घर में है, लड़कों के पास कुत्ते पालेंगे, कुत्ते बिल्ली रखने की जगह लोगों के घर में है, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को रखने की जगह नहीं है घर में। कुत्ते बिल्लियों को साथ में घुमाएंगे, लेकिन उनसे कहेंगे बूढ़े माता पिता की सेवा करो, तो उन बेटों के यहाँ कोई समय नहीं है। गालियां देते हैं माताजी कई बेटे तो अपने माता पिता को। कई बहुएं मैंने एक देखा वीडियो में, अभी वो दिल्ली में वायरल हुई, एक बहू थी, वो बहू अपनी सास को मार रही है, बूढ़ी सास बेचारी चल नहीं पाती है, उसको बहू मार रही है। अब बताओ ऐसी बहू भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तुम्हारे भी बेटे हैं, आज अगर सास ससुर के साथ गलत करोगे तो कल तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ वही करेगी, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ वही करेगा, करेगा कि नहीं? आज अगर सास ससुर के साथ गलत करोगे, आज अगर माता पिता के साथ गलत करोगे, तो भगवान के यहाँ गोल गोल घूमता है चक्कर, ऐसे यहां से वहां, ये पृथ्वी गोल है, जो यहाँ छोड़ो वो घूम फिर के यहीं आ जाता है। आज अगर माता पिता के साथ गलत करोगे, सास ससुर के साथ गलत करोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तो एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा, घोर नरक में निवास करोगे अगर सेवा नहीं की तो माता पिता की। मैंने देखा एक सत्य घटना अपने आंखों के सामने, मैंने खुद पढ़ी घटना, सुनकर आंखों में आंसू आ गए। उस घटना को आप भी सुनिए। ये कोई माँ थी, बच्चा पेट में था और उस माँ का पति मर गया, मृत्यु हो गई, पेट में था। लोगों ने कहा एक काम करो, ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे को गिरवा दो, सही सत्य घटना, इस बच्चे को गिरवा दो और एक काम करो तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है अभी, 20-22 साल की तो हो, कैसे जिंदगी कटेगी, गिरवा दो इस बच्चे को। कहते हैं उस माँ में इतना प्रेम था, उस माँ ने कहा कि ना मैं अपने पति के बिना ऐसे ही जिंदगी गुजार लूंगी, पर अपने बच्चे को नहीं मार सकती, मैं खुद पाल लूंगी अपने बच्चे को। कहते हैं जब उस माँ के गर्भ से बच्चा निकला तो वो एक बालक हुआ, एक पुत्र हुआ, सत्य घटना। जब वो पुत्र हुआ तो माँ के घर में कुछ था नहीं, एक छोटा सा घर बना हुआ था, वो बेटे को पालती, लोगों के घर में जाती, घर में जाके बर्तन मांजती, लोगों के यहाँ खूब बर्तन धोती। लोग कहते हैं कि तू बर्तन क्यों धोती है, तेरे कभी सपने नहीं है? तो वो माँ हमेशा कहा करती, ये जो मेरा छोटा सा बेटा है ना, इसके लिए सब कर रही हूँ, जब ये बेटा बड़ा होगा तो इसकी नौकरी लगेगी, फिर मेरा भी एक महल होगा, जैसे तुम्हारे घर में बर्तन मांज रही हूँ ना, ऐसा महल मेरा भी होगा। बिल्कुल सत्य घटना। और सुनो, जैसी तुम्हारी बहू है ना, देखना एक दिन मेरी बहू भी आएगी, और आज मैं अपने बेटे को पाल रही हूँ, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी खूब, जैसे आज मैं पाल रही हूँ वैसी मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। कहते हैं वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, माँ ने खूब उसको पाला,
खूब दूसरों के घर में बर्तन मांजे, दूसरों की मजूरी की माने, लोगों के यहाँ जा जा के काम किया, लोगों ने भला बुरा कहा, नाना जाने क्या क्या कहा उसको जवानी के दिनों में, उल्टा सीधा कहा, लेकिन उसने अपने बेटे को पाला, बड़ा किया, और जब बड़ा किया तो उस बेटे की नौकरी लग गई विदेश में। बेटे से माँ ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहा है, बेटे ने कहा कि माँ मैं नौकरी करने जा रहा हूँ विदेश में। माँ ने कहा लेकिन बेटा मैं यहाँ क्या करूंगी, बेटे ने कहा माता चिंता मत करो, तुमने ही तो कहा था कि महल बनाना है, मैं महल के पैसे कमाने जा रहा हूँ, अब नौकरी लग गई। माँ ने कहा बेटा फिर याद रखना मेरी भी बहू आएगी, उससे सेवा करवाना है, तुम बहू लेकर आओगे, बेटे ने कहा हाँ माँ लौट के आऊंगा पर तुम शादी करना। लोगों ने कहा माताजी ये बेटा भाग रहा है, तुम यहाँ अकेली रहोगी कैसे चलेगा। माँ ने कहा मेरा बेटा बड़ा सपूत है, कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल बहू लेकर आएगा, अब मेरे भी अच्छे दिन आ गए, देख लेना मेरा भी महल बनेगा, अब मेरे घर में भी बहू आएगी, लोग खूब ताना देते थे मुझे, अब लोग ताना नहीं देंगे, मेरे यहाँ बहू रहेगी, मेरी सेवा करेगी, मैं उसको अच्छा चाहूंगी, बेटी जैसे रखूंगी अपनी बहू को। कहते हैं वो बेटा विदेश में गया और विदेश में जाकर उस बेटे ने अपनी माँ की चोरी से वहीं पर शादी कर ली। सत्य घटना, बिगड़ा लड़का था, अपनी माँ की चोरी से वहीं विदेश में शादी कर ली उसने, और शादी करने के बाद उस बेटे ने अपने माँ को देखा तक नहीं, माँ यहाँ इंतजार कर रही है। एक महीने बीत गए, दो महीने बीत गए, लोगों ने कहा लगता है कि अब तेरा बेटा नहीं आएगा, चला गया। उसने कहा ना, मुझे अपनी परवरिश पे भरोसा है, मेरा बेटा जरूर आएगा, एक दिन मुझे याद करेगा, मैं मरने से पहले चाहती हूँ कि एक बार बहू देख लूं, मेरे बेटे को देख लूं, एक ना एक बार मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। और कथा कहती है कि वो माँ जिंदगी भर बेटे का इंतजार करते रही, और अंत समय आया तो उस उम्मीद में कि मेरा महल बनेगा, मेरी बहू होगी, कभी तो मेरे बुरे दिन जाएंगे, कभी तो ये बर्तन मांजने के दिन जाएंगे, कभी तो दिन आएगा जब मुझे भी सुख मिलेंगे, कभी तो मेरे साथ अच्छा होगा। सुख के दिनों को याद करते हुए और उस माँ ने अपने प्राण त्याग दिए, मर गई वो माँ। और अंत में जब पड़ोस के लोगों ने उस बेटे को फोन लगाया, बेटा जिंदगी भर तो माँ को देखा नहीं है, तेरी माँ मर गई, तेरे जैसे पापी कौन होगा, अब तो आजा अपने घर में, कम से कम अपनी माँ को ही जला दे, उसे सुख तो नहीं दे पाया, अपनी माँ को जला ही दे आके। तो हृदय तब दुखता है। उस बेटे ने कहा अगर अमेरिका से आऊंगा तो 4 लाख किराया लगेगा, एक काम करो तुम लोग ही जला दो और वीडियो कॉल से मुझे अस्थियां दिखा दो मेरी माँ की, वीडियो कॉल करो और तुम लोग ही जला दो और माँ की अस्थियां मुझे दिखा दो। याद रखना माताजी, जीवन में कुत्ते बिल्लियों के साथ उपकार कर लेना, वो तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन बच्चे जीवन में कभी साथ नहीं देंगे, इस बात की गारंटी है। आप कुत्ते बिल्ली के साथ उपकार कर लो, वो आपका साथ देंगे, लेकिन कभी घर में कोई साथ नहीं देता। जब जब मैं इस घटना को सुनाता हूं मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जब हमें सुनने में ऐसे आंसू बह रहे हैं, उस माँ के साथ ऐसा हुआ है तो सोचो जिसके साथ गुजरी है उसका क्या हुआ होगा। हमें सुनने से हमारी आंखें नम हो रही हैं, हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, उस माँ बाप के, उस माँ के बारे में तो सोचो, जिंदगी भर बर्तन धोए उस माँ ने, बेटा सुख देगा, बेटा सुख देगा, ना बेटे ने सुख दिए, ना बहू ने सुख दिए, और माँ बेचारी मर गई। मर गई कि नहीं? हाँ, घोर नरक में निवास करोगे अगर माता पिता का अपमान करोगे। शास्त्र कहते हैं अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, और कर लो माता पिता की सेवा, घर में ही मथुरा काशी है, घर में ही मथुरा काशी है, माता पिता की सेवा कर लो। आज माता पिता रहेंगे तुम्हारे साथ, कुछ गलत होगा तो माता पिता कभी साथ छोड़कर नहीं जाते, माता पिता रहते हैं तो माता पिता हमेशा छाया रखते हैं अपनी। अगर पेड़ में फल आना बंद भी हो जाए ना तो पेड़ कम से कम छाया देता है, अगर माता पिता कमाना भी बंद कर देना तो कम से कम आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद तुम्हारे काम आता है माता पिता का।
शास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में माता पिता का सम्मान नहीं किया ऐसा व्यक्ति घोर नरक में निवास करता है और अनेक पापों को प्राप्त करता है। और कई लोगों को मैंने देखा जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और मरने के बाद रोएंगे। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिनकी माँ नहीं रहती ना उन बच्चों को, जो आज के बच्चे सेवा नहीं करते, जिनकी माँ नहीं रहती उनसे पूछो, उनके बच्चे अनाथ रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता, कोई बोलने वाला नहीं रहता, रहता है क्या? ना कोई नहीं। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। और आज माता पिता मरने के बाद पर रोओगे, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई। अरे मरने के बाद क्या रोना, जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर लो, जीते जी जीवन को स्वर्ग बना लो और उन्हें सुख दे दो, उसमें कल्याण है। जीते जी काम कर लो। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, ये भजन मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे लगता है जैसे जीवन का भजन हो। आप भी जरा प्रेम से इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, कैसे माँ उपकार करती है अपने बेटों के ऊपर। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, हो मेरी निधिया पे अपनी निधिया भी तूने वारी है। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है तो
बाजू की सेवा करना। बच्चा अगर 12 बजे रात तक घर में ना आए, सब घर में सो जाएंगे, लेकिन माँ इंतजार करते रहती है। और जब वही माता पिता चले जाते हैं ना, माता जी तुम कितने बजे आ रहे हो, तुमने खाना खाया है कि नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, कोई तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखता। तुम कितनी बड़ी गलती कर दो, तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन और दुनिया में गलती कर दोगे, कोई माफ नहीं करेगा। कोई दर्द दिया करता है, कोई रुला दिया करता है, कोई दर्द दिया करता है, कोई रुला दिया करता है। ये तो माता पिता का ही दिल है, वरना मुक्त में कौन दुआ करता है, मुक्त में कौन दुआ करता है। कहाँ गए ममता बल्ले, कैसे कोई दिए माँ तेरे। कहाँ गए ममता बल्ले, कैसे कोई दिए माँ तेरे। ओ माँ तुझे ढूंढ मैं सदा, कोई कहते क्या होती है माँ, आगे माँ होती है माँ। कहाँ गए ममता बल्ले, कैसे कोई दिए माँ तेरे। कहाँ गए ममता बल्ले, कैसे कोई दिए माँ तेरे। होगा तुझे गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही दो गुजरने वाली हवा, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरी माँ को तू ये पयाम दे, मेरी माँ को तू ये पयाम
वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने गांव में खुशी जाऊं। पुराने जीवन से रखे बादल से अलग दिया जल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है, आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस व्यक्ति ने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर लिया, समझो सभी तीर्थों में घूम लिया। सर्व तीर्थमयी माता सर्व देव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजये। सर्व तीर्थमयी माता, जिसने अपने माता की सेवा कर ली, समझ लो सभी तीर्थों का निवास कर लिया। सर्व देव मया पिता, जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, समझो सभी देवताओं का पूजन कर लिया, देवताओं की सेवा कर ली, ये उनका फल है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। सुंदर सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुना रहे हैं। आगे भगवान ने उखल बंधन लीला की है, बत्सासुर और बकासुर का उद्धार किया है, आगे अघासुर का भगवान ने उद्धार किया है। परीक्षित जी को बताया है, ये जो अघासुर है, ये पूर्व जन्म में शंखासुर दैत्य का पुत्र था। इसने एक बार अष्टावक्र जी को देखकर हंस दिया था, और हंसने के कारण इसे राक्षस बनना पड़ा। माता जी वार्तालाप मत करिए, थोड़ी देर की कथा है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप बात करते हो ना, तो एक दो शब्द जो चूक जाते हैं, तो पर आप कथा समझ में नहीं आती, क्योंकि दिमाग भटक जाता है, फिर भटकेगा तो आधे शब्द चूक जाएंगे, फिर कथा समझ में नहीं आएगी, तो आप और ज्यादा बात करोगे, क्योंकि कथा समझ में नहीं आ रही है, फिर कहोगे गुरु जी ने कथा ऐसी सुनाई, कुछ समझ में ही नहीं आया। इसलिए ध्यान से सुनिए, ये जो शंखासुर दैत्य का पुत्र था, इसने अष्टावक्र जी की हंसी उड़ाई। एक बार अष्टावक्र जी कहीं से जा रहे थे, आठ जगह से टेढ़े थे, अष्टावक्र जी शरीर में आठ जगह से टेढ़े, इनने हंस दिया, बोले देखो ये सुंदर ऋषि जा रहे हैं, कितने सुंदर हैं ये जा रहे हैं। अष्टावक्र जी को चिढ़ा दिया, कई लोग चिढ़ाते हैं ना, उनको बड़ा मजा आता है, अगर किसी को चिढ़ाएंगे तो उन्हें बहुत आनंद मिलता है बुराई करने में, तो उसको बड़ी खुशी हुई। और जैसे ही अष्टावक्र जी ने सुना कि ये मुझे ताने मार रहा है, चिढ़ा रहा है, हंस रहा है, तो अष्टावक्र जी ने श्राप दे दिया, जाओ और तुम्हें अगले जन्म में राक्षस बनना पड़ेगा, तुम्हें बहुत बड़ा सांप बनना पड़ेगा, मेरे शरीर में आठ जगह से मुझे टेढ़ा होना पड़ा, तुम तो पूरे शरीर से टेढ़े रहोगे, तुम्हें सर्प बनना पड़ेगा। वही इस जन्म में अघासुर बना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब हम किसी की बुराई करते हैं, तो बुराई करने वाले को उतना पाप नहीं लगता, जितना बुराई को करके हंसने वाले को पाप लगता है। मान लो मैंने किसी को मार दिया, तो मुझे उतना पाप नहीं लगेगा, जितना आप मेरी बातों को सुन सुन के मजा लेके चुगली करोगे, उसमें ज्यादा लगेगा। कई माताओं को मैंने देखा, वो आपस में बैठेंगी तो दूसरों की बुराई करेंगी, दूसरों की चुगली करेंगी, कर वो पाप रहा है, लेकिन अगर आपने उसकी चुगली की, आपने उसकी बुराई या बात की, तो उसका फल आपको भोगना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं यहाँ, कहते हैं कोई एक राजा था, ध्यान से सुनना, जो लोग बुराई करते हैं दूसरे की, वो ज्यादा ध्यान से सुनो। एक राजा था, वो राजा रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता था। राजा
एक दिन ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था तो आसमान से एक बाज एक सर्प को पकड़कर ले जा रहा था मुंह में। सर्प बेचारा तड़प रहा था और तड़पते हुए सर्प के मुंह से जहर निकल गया। जैसे ही जहर निकला तो राजा के यहाँ एक रसोईया भोजन बना रहा था ब्राह्मणों के लिए, उस ब्राह्मणों के भोजन में जहर जाके गिर गया भोजन। अब जैसे ही उस भोजन को ब्राह्मणों ने खाया तो उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, मर गए ब्राह्मण। अब जब ब्राह्मण मरे तो ब्रह्म हत्या लगेगी माता जी, पाप लगेगा। तो यमराज के पास जब ये बात पहुंची तो यमराज और चित्रगुप्त ने कहा कि ये ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसको देना चाहिए। भाई अगर आप कहो कि रसोईया की गलती है, रसोईया को पाप दो, तो भाई रसोईया की क्या गलती, वो तो भोजन बना रहा था। आप कहोगे राजा की गलती है तो राजा तो बेचारा निश्चल है, वो तो भोजन कराना चाहता था, उसकी क्या गलती है। आप बताओ माता जी किसको पाप देंगे। अगर आप कहोगे कि बाज को ब्रह्म हत्या का पाप दो तो बाज तो बेचारा अपना कर्म कर रहा है, भगवान ने बनाया ही मांसाहारी है। अब आप कहोगे कि सर्प को ब्रह्म हत्या का फल दो तो उसको भी नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि वो तो बेचारा तड़प रहा था, वो मरते हुए व्यक्ति क्या नहीं करता, उसकी भी गलती नहीं थी। अब बताओ माता जी इन चारों लोगों में से किसको पाप देंगे। ब्राह्मण मरे तो हत्या तो लगेगी, किसको लगेगी सोचो जरा, बताओ बताओ माता जी किसको लगना चाहिए। जैसे आप सोच रही हो ना ऐसे यमराज भी सोच में पड़ गए। उनने सोचा किसको लगाएंगे पाप। चित्रगुप्त ने कहा किसके खाते में निकला है यमराज जी, जल्दी से बताओ। यमराज जी ने कहा एक काम करो, रुक जाओ, कुछ दिन बाद मैं बताऊंगा कि किसके खाते में ये पाप डालना है। चित्रगुप्त जी ने कहा ठीक है कुछ दिन और सही। समय गुजरा तो उसका तो काम ही था राजा का ब्राह्मणों को भोजन कराना। कुछ दिनों बाद वो फिर से ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, कुछ बाहर से ब्राह्मण आ रहे थे, ब्राह्मण बाहर से। जैसे ही वो आने लगे तो उन्होंने एक महिला से पूछा जो पानी भर रही थी। उस महिला से कहा देवी जो यहाँ के राजा हैं उनका महल बता दो कहाँ पे है। वो महिला ने कहा ब्राह्मण देवता राजा के यहाँ भोजन करने जा रहे हो क्या। ब्राह्मण देवताओं ने कहा हाँ राजा ने बुलाया है, भोजन करने जा रहे हैं। अरे ब्राह्मण देवता उसके घर में भोजन करने मत जाना, वो राजा बड़ा बुरा है, जहर मिला के मार देता है ब्राह्मणों को। और जोर जोर से हंसने लगी वो महिला, बड़ा बुरा है वो, ब्राह्मणों को मार देता है, चुगली करने लगी उस राजा की। और जैसे ही उसने बुराई की तो वो यमराज ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे, कहा चित्रगुप्त जितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है सब इस महिला के खाते में डाल दो, इसको दे दो पूरा पाप। चित्रगुप्त ने कहा ये तो गलत है भाई, ये महिला ने वहां थी, उन चारों में से किसी एक को पाप देना चाहिए, इस महिला को क्यों दिला रहे, इसने मारा क्या ब्राह्मणों को, इसको क्यों पाप दे रहे हो। तब यमराज जी ने बताया कि चित्रगुप्त दुनिया का व्यक्ति पाप करता है सुख के लिए, खुशी के लिए। हम दूसरे को चिढ़ाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, मिलती कि नहीं। जब ब्राह्मणों की हत्या हुई ना उस सर्प को खुशी हुई, ना उस बाज को खुशी हुई, ना रसोईये को खुशी हुई, ना उस राजा को खुशी हुई। खुशी किसे हो रही है, बोले इस महिला को हो रही है, इसलिए पूरे पापों का फल इस महिला के खाते में डाल दिया जाए, इस महिला को पाप दिया जाए पूरा। जब हम किसी की बुराई और निंदा चुगली करते हैं तो काम वो दूसरे ने किया है लेकिन उसके पापों का फल हमें भुगतना पड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं माता जी, आ रहा है। हाँ तो अब निंदा चुगली मत करना किसी की, किसी की चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कभी चुगली मत करो। चार लोग बैठते हो तो चुगली की बातें मत बताओ, बल्कि चार लोग बैठो तो मुंह से राधे राधे कहा करो, राम राम कहा करो। चुगली करने से जिंदगी नहीं बनेगी लेकिन भगवान का नाम लेने से जिंदगी जरूर बन जाएगी, वो किया करो। बैठ के क्या व्यर्थ की बातें करना। तीन प्रकार के पाप होते हैं माता जी। पहला पाप होता है देहिक पाप, यानी जो हम शरीर से करते हैं। दूसरे होते हैं मानसिक पाप, यानी जो हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो मानसिक पाप लगता है। और तीसरा पाप होता है वाचिक पाप, वाचिक मतलब जो पाप हम मुंह से करते हैं।
और जो व्यक्ति शास्त्रों में लिखा है अपने जीवन में व्यर्थ की बात करता है, बिना मतलब की बात करता है, बिना मतलब की निंदा चुगली करता है, ऐसे व्यक्ति को वाचिक पाप लगता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी भगवान ऐसे भुगता रहे हैं, ऐसे दुख दे रहे हैं मुझे। अब उनको कौन समझाए कि तुम्हें लगता है किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन जो तुम मुंह से बैठे बैठे व्यर्थ की बातें कर रही थी वो भी तो तुम पाप कर रही थी, उनके जगह राधे राधे जप लिया होता तो ये बुराई तुम्हारे मन में नहीं आती, ये दुख तुम्हें नहीं आते। चार लोग बैठो तो व्यर्थ की बात करने से अच्छा है भगवान का नाम जपो। अकेले भी रहो तो व्यर्थ के काम करने से अच्छा है भगवान का नाम जपो। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा हमें दिन भर ऊर्जावान बनाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भगवान ने इस अघासुर का उद्धार किया है, आगे ब्रह्मा जी का मोह नाश किया है भगवान ने, और अब वृंदावन की ओर भगवान गए हैं। जब पता चला नंद बाबा को कि बहुत सारे दैत्य आ रहे हैं तो वृंदावन में भगवान ने निवास बना लिया है। वृंदा कहते हैं माता जी तुलसी को, और वन मतलब होता है जंगल, जहां तुलसी का जंगल है वहां भगवान निवास करने लगे हैं वृंदावन में। वृंदावन, आप लोग वृंदावन गए हो कि नहीं? कोई गया हो तो हाथ उठा के बताओ हम गए हैं। अरे संत कुमार जी गए हैं, हमारे यजमान हैं जो। वाह, आप स्वर्ग देख आए, बाकी सब यहीं डले हो कोंडरा में ही। आप भी गए हैं, दो लोग गए हैं, दो लोगों ने बस स्वर्ग देखा है बस। कहते हैं जिस व्यक्ति को जीते जी स्वर्ग के दर्शन करना हो कि मरने के बाद स्वर्ग कैसा रहता है, अगर जीते जी दर्शन करना हो तो एक बार वृंदावन चले जाओ, वहां तुम्हें स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे, जीते जी स्वर्ग दिख जाएगा। वृंदावन कोई साधारण कोई जगह नहीं है माता जी। कहते हैं जब राधा जी से कहा भगवान ने कि राधा मेरे साथ अवतार लेकर चलो नीचे धरती पे, राधा जी ने कहा भगवान मैं क्यों जाऊंगी, वहां धरती पे ना वृंदावन होगा, ना धरती पे ये गोवर्धन होगा, ना धरती पे यमुना जी होंगी, मैं क्या करूंगी जाके। भगवान ने कहा तुम इस गोवर्धन और वृंदावन के बिना नहीं रह सकती, तो हम वैकुंठ से ही उठाकर इस वृंदावन को धरती पर स्थापित करते हैं और धरती में तुम वृंदावन में निवास करना। ये वैकुंठ इस धरती का नहीं है, ये वृंदावन वैकुंठ से उठाकर लाए थे भगवान, और भगवान ने यहाँ स्थापित किया था। और आज भी कहते हैं जब ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है तो संसार में सिर्फ वृंदावन और बनारस ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, निरंतर रहते हैं, क्योंकि वृंदावन वैकुंठ से आया है और बनारस भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ है, भगवान शिव के कभी नष्ट नहीं होता। वृंदावन अपने जीवन में जरूर जाइए, वृंदावन हर इस व्यक्ति को जाना चाहिए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अपने मन में हमेशा वृंदावन जाने की सोचो, राधे राधे गाने की सोचो, उसमें आपका कल्याण है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भगवान सुंदर वृंदावन गए हैं और आगे भगवान ने चीर हरण की लीला की है। मैं आपको माताजी कल परसों बता रहा था, एक दिन गोपियां स्नान कर रही थी, कार्तिक स्नान कर रही थी गोपियां। कहते ना एक महीना आता कार्तिक का, कहते हैं अगर कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करो तो शास्त्र कहते हैं मन की इच्छा पूरी होती है और अपनी इच्छा का पति मिलता है। ये जो गोपियां हैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए एक महीने तक कार्तिक स्नान कर रही थी और कात्यायनी माता का पूजन करती थी, लेकिन ये गलती करती थी। जाती थी यमुना जी में तो यमुना जी में जाकर ये निर्वस्त्र होकर कम वस्त्रों में स्नान करती थी। कन्हैया को पता चला तो कन्हैया ने इनके वस्त्र चुरा लिए और कदंब के वृक्ष पर बैठ गए। गोपियों ने बाहर आकर देखा वस्त्र थे नहीं, गोपियों ने कन्हैया से कहा कन्हैया तूने वस्त्र क्यों चुराए हैं? कन्हैया ने कहा इसलिए चुराए हैं क्योंकि तुम वरुण देवता का अपमान कर रही हो।
तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जल में थी तो तुम्हें किसी ने देखा नहीं, लेकिन जल के देवता वरुण भगवान हैं और कम वस्त्रों में स्नान करना ये वरुण भगवान का अपमान होता है, इससे पाप लगता है। वरुण भगवान, हमें कभी कभी लगता है कि हम कम वस्त्रों में स्नान कर रहे हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन कण कण में भगवान होते हैं, वो सूर्य हमें देख रहा है, वो चंद्रमा देख रहे हैं, और तो छोड़ो जिस जल से तुम स्नान कर रहे हो उस जल में जो वरुण भगवान है वो आपको देख रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर और फिर स्नान करना चाहिए, अच्छे आचरण को रखना चाहिए। गोपियों को यहाँ सुंदर ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने, गोपी अपने जीवन में शरीर सुंदर रखो या ना रखो, लेकिन अपने आचरण को सुंदर जरूर रखना, क्योंकि शरीर की पूजा नहीं होती, आचरण की पूजा हुआ करती है। जिसके आचरण अच्छे हैं संसार में उसी की पूजा है, जिसका नेचर अच्छा है। हम लोग राम जी के पैर छूते हैं, हम बड़े बड़े संतों के पैर छूते हैं, क्यों छूते हैं? क्योंकि हमें उनका आचरण अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? इसलिए तो हम बड़े बड़े संतों के पैर छूते हैं, हमें लगता है इनका आचरण अच्छा है, इसलिए छू रहे हैं। कहते हैं एक बार राम जी और सीता जी एक शिला पर बैठे हुए थे वनवास में, ध्यान से सुनिएगा, बैठे थे। लक्ष्मण जी गए थे पुष्प लेने के लिए, फूल लेने के लिए। लक्ष्मण जी जब फूल लेने के लिए गए तो राम और सीता आपस में बात करने लगे। सीता जी ने कहा, राम जी देखो मेरे चरण कितने सुंदर हैं, बिल्कुल गोरे गोरे चरण हैं, कितने सुंदर चरण हैं। राम जी ने कहा, सीता तुम्हें गलत फहमी हुई है, चरण तो मेरे सुंदर हैं, दुनिया पीछे पड़ी रहती है, भगवान आपके चरण मिल जाएं, आपके चरण मिल जाएं, मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। कहते हैं दोनों का संवाद होते हुए विवाद हो गया। राम जी कह रहे मेरे चरण सुंदर हैं, माता सीता कह रही है मेरे चरण सुंदर हैं। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भाभी क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ लक्ष्मण जी तुम सही आ गए, अब चलो तुम फैसला करके बताओ किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं, देखो दोनों के चरण और बताओ किसके सुंदर हैं। तुरंत लक्ष्मण जी ने देखा और कहा, चरण तो माता सीता के सुंदर है। माता सीता ने कहा, देखो राम जी मैंने कहा था ना चरण मेरे सुंदर है, लक्ष्मण जी ने कह दिया ना। लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी अभी आपने पूरी बात नहीं सुनी, पूरी तो सुनो। आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वो राम जी के साथ चलते हैं, और जो चरण राम के साथ चलते हैं वो चरण तो सुंदर ही हो जाया करते हैं, इसलिए सुंदर है चरण। राम जी खुश हो गए, बोले देखो सीता अब आए लक्ष्मण जी मुद्दे की बात पर, चरण तो मेरे ही सुंदर, मेरे साथ चलने से तुम्हारे तक सुंदर हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी अभी आपने भी पूरी बात नहीं सुनी, आप कहते हो ना आपके चरण सुंदर हैं, आपके चरण देखने में सुंदर नहीं है, आपके चरण को इसलिए सुंदर माना जाता है क्योंकि आपके आचरण सुंदर हैं, और आपके आचरण सुंदर इसलिए आपके चरण सुंदर हैं, आपके आचरण सुंदर हैं। राम जी से कहा, राम जी आपके चरणों को दुनिया इसलिए पूजती है, रावण को भी तो पूज सकती थी कि नहीं, क्यों आपको पूज रहे हैं? राम जी आपके स्वरूप की पूजा नहीं है, आपके आचरण की पूजा है, जिसके आचरण अच्छे हैं उसके चरण अच्छे हैं, बड़े बड़े संतों के पैर छूते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आचरण अच्छे हैं। जीवन में चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं हमेशा माता जी अपने आचरण को अच्छा रखो, कभी जीवन में हमारा आचरण खराब ना हो पाए। अगर कपड़े में दाग लग गया तो एक बार छूट जाएगा, ध्यान से सुनना, अगर कपड़े में दाग लग गया तो एक बार छूट जाएगा, लेकिन चरित्र में अगर दाग लग गया तो दुनिया की कोई साबुन उसको छुटा नहीं पाएगी, कभी चरित्र का दाग नहीं छूट सकता। छूट सकता है क्या? कपड़े में लगेगा तो छूट जाएगा, लेकिन चरित्र में लगा हुआ दाग कभी नहीं छूटता, इसलिए व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, हमें चरित्रवान बनना चाहिए, अच्छा चरित्र। रानी लक्ष्मीबाई आपने नाम सुना होगा, कहते हैं जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होने लगी, चारों तरफ से घेर लिया अंग्रेजों ने, रानी लक्ष्मीबाई समझ गई कि अब अगर अंग्रेजों के हाथ आ गई तो मेरी उम्र 23 वर्ष की है, ये नोच के खा जाएंगे अंग्रेज।
क्या किया जाए। रानी लक्ष्मी बाई ने वहीं एक संत जी की कुटिया थी जंगल में, संत जी को बाहर निकाला और लक्ष्मी बाई कुटिया के अंदर चली गई और कुटिया में आग लगा ली लक्ष्मी बाई ने। जब आग लगाई तो संत जी चिल्लाने लगे, बेटी क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। रानी लक्ष्मी बाई ने तुरंत कहा, संत जी अभी तक मैं लड़ भिड़कर अपने देश की रक्षा कर रही थी और अब खुद के प्राण देकर अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूँ, अपने चरित्र को बना रही हूँ। अभी तक लड़कर धर्म की रक्षा कर रही थी और अब मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूँ। जीवन में माता जी हमेशा अच्छा चरित्र रखना चाहिए, हमें हमेशा एक पत्नी व्रतधारी जो रहता है, जो भी पुरुष शास्त्रों में लिखा है, जिस पुरुष ने जीवन भर एक पत्नी से प्रेम किया हो या जिस नारी ने जीवन भर एक पत्नी से प्रेम किया हो, ऐसी नारी या पुरुष मरने के बाद ऐसे लोक में जाते हैं जिस लोक में ब्रह्मचारी जाया करते हैं। जिस स्त्री ने जीवन भर सिर्फ एक पति में जीवन गुजारा हो और जिस पुरुष ने अपनी स्त्री में जीवन गुजारा हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद ऐसी जगह जाता है जहां ब्रह्मचारी लोग जाया करते हैं, ऐसी जगह। इसलिए किसी का घर मत बिगाड़ो। कई लोगों को मैंने देखा वो दूसरे का घर बिगाड़ देते हैं, कई लोगों को, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी कोई भी पति पत्नी है उनका घर मत बिगाड़ो, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खुद के अगर घर कांच के हैं तो किसी के यहाँ पत्थर नहीं मारे जाते, समझ में आ रहा कि नहीं। कभी किसी का घर मत बिगाड़ो, हमेशा अच्छे से रहो, उसमें कल्याण है। कहते हैं एक गांव में एक वैश्या रहती थी, उस वैश्या ने पूरे गांव को दूषित करके रखा था। एक दिन उस गांव में संत जी आए तो लोगों ने उन संत जी से कहा, गुरु जी इस वैश्या का कुछ करिए। संत जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपना घर बना लिया, कुटिया बना ली, और रोज वैश्या के घर के सामने रोज सुबह से राधे राधे राम 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 जपते, और जैसे ही राम राम जपते तो वो वैश्या डिस्टर्ब होने लगी। उसने अपने यारों को बुलाया और कहा, जाओ संत की कुटिया में आग लगा दो। आकर उन्होंने संत की कुटिया में आग लगाई, संत की कुटिया धूं धूं कर जलने लगी। संत जी को कोई चिंता नहीं, जब कुटिया धूं धूं कर जलने लगी तो वो आग उड़ी और जो सामने वैश्या का घर था उसके घर में भी पहुंच गई और वैश्या का घर भी धूं धूं के जलने लगा। जैसे ही घर जला तो वैश्या आ गई, संत जी आपने मेरा घर जलवा दिया, आपके कारण मेरा घर गया, आपने जलवा दिया। संत जी ने कहा, बेटा मैंने तेरा घर नहीं जलाया है, तेरे यारों ने आकर मेरा घर जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया और मेरे यार ने तेरा घर जला दिया है, कोई फर्क नहीं है। तेरे यार ने आकर मेरा घर जलाया और जो वो मेरा यार है उसने तुम्हारा जला दिया। खुद अगर दूसरे के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होना है, इस बात की गारंटी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जीवन में चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, हमेशा अच्छे चरित्रवान रहना चाहिए। संसार में चरित्रवानों की पूजा है। कई लोग बहकावे में आ जाते हैं, ये तो गांव है ठीक है, लेकिन जो लोग YouTube पे देख रहे हैं या साधना चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कई लोग देश विदेशों में, उनके लिए बात है, आप तो ठीक हो गांव के हो, गांव में ज्यादा ऐसा होता नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा वो प्रेम विवाह करते हैं, अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लेते हैं, अपने पसंद का लड़का ढूंढ लिया, फिर माता पिता ने चाहे जितना मना किया लेकिन उनने प्रेम विवाह कर लिया। और मैं गारंटी से कह सकता हूं अपने पूरे भारत में जितने लोग प्रेम विवाह करते हों, 90% लोगों के प्रेम विवाह कभी सक्सेस नहीं होते। किसी के 5 साल चलेंगे, किसी के 10 साल, और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है 90% लोगों के, ये मैंने साक्षात देखा हुआ है। हाँ कई लोग अपने माता पिता की मर्जी से अपने मन के काम करते हैं, ना अपने मन के काम मत करो, जो माता पिता कहते हैं वो काम हमें करना चाहिए। एक बार मैं कहीं कथा सुना रहा था तो कथा सुनाते समय एक लड़का और लड़की मेरे पास आए, लड़का मेरा शिष्य था, ध्यान से सुनिएगा माता जी, लड़का लड़की आए मेरे पास। लड़के ने कहा, गुरु जी ये जो मैं लड़की लाया हूं ना, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, कर लीजिए। बोले गुरुजी लेकिन एक दिक्कत है,
मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है गुरुजी कि मेरी माँ नहीं मान रही है, और मेरी जो माँ है ना वो आपकी भागवत बहुत सुनती है यूट्यूब में लगा लगा के, मोबाइल दिन भर रखे रहती पास में, विपिन कृष्ण शास्त्री सर्च करती है और आपकी भागवत सुनते रहती है दिन रात। तो मुझे ऐसा लगता है आपको मानती बहुत ज्यादा है, अगर आप कहोगे तो कुछ भी कर देगी मेरी माँ, मेरी बात नहीं मानती लेकिन आपकी मानती है। मैंने कहा तो बोले आप मेरी माँ से बोल दो कि विवाह कर लेने दो। मैंने कहा भैया मैं क्यों बोलूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना हो, माता पिता को जो सही लगेगा वो करेंगे, और अगर माँ नहीं मान रही है तो विवाह मत करो। लड़का बोला नहीं गुरुजी मैं इतना ज्यादा प्रेम करता हूँ मैं तो मर जाऊंगा। कई लोग कहते हैं लड़का लड़की हम तो मर जाएंगे, इतना प्रेम करते हैं गुरुजी हम तो मर जाएंगे, विवाह करेंगे तो इसी से करेंगे। हमने कहा तो क्या करोगे? बोले गुरुजी अपनी माँ को छोड़ दूंगा, माँ को छोड़ दूंगा और इसके साथ भाग जाऊंगा, माँ को छोड़ दूंगा। अच्छा ऐसा करोगे? हाँ। मैंने तुरंत उस बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा एक बात बता, तुझे ये लड़की कब मिली? उसने कहा गुरुजी 3 साल पहले मिली थी कॉलेज में, वहीं से तो हम लोग मिले थे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बता तेरी माँ तुझे कब मिली? बोले गुरुजी 25 साल का हो गया हूँ, 25 साल पहले मिली। मैंने कहा भैया तू संसार के सबसे बड़ा मूर्ख है, तो जैसा मूर्ख कौन होगा जो 3 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार छोड़ने के लिए तैयार है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन संसार में होगा। 3 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार भूल रहा है। और मैंने उस बेटी से भी कहा कि बेटा भले ही ये मेरा शिष्य है लेकिन मेरा काम है सत्य का ज्ञान देना, मैं भागवत सुनाता हूँ तो कभी असत्य नहीं बोलना चाहता, मैं कभी किसी को गलत रास्ता नहीं बताना चाहता भागवत करते हुए। मैंने उससे कहा कि बेटा ये जो लड़का है ना, तो अगर तू मेरी बात मानती हूँ तो इस लड़के से कभी शादी नहीं करना। उसने कहा क्यों गुरुजी? मैंने कहा इसलिए शादी नहीं करना क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ वो जीवन में कभी तेरा सगा भी नहीं होगा, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ। जिस लड़के ने अपनी माँ को छोड़ दिया, जो 25 साल का प्यार भूल गया, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका, वो तेरा सगा क्या होगा? सालों में वासनाएं मिट जाएंगी और यही लड़का तुझे छोड़ देगा, माँ बाप ही तेरा सहारा बनेंगे। और कई बार ऐसा होता है लड़कियों के साथ, ये हुआ वो हुआ, और अंत में सहारा कौन बनता है? वही बूढ़े माता पिता बनते हैं जिनको छोड़कर जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसलिए जीवन में अच्छे आचरण रखो, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका फायदा है। सुखदेव जी महाराज चीरहरण की कथा सुनाते हैं, गोपियों को खूब समझाया भगवान ने, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। गोपियों ने क्षमा मांगी है भगवान से, वस्त्र धारण किए हैं, और अब गोवर्धन लीला की ओर हम लोग चलते हैं। अब माता जी कथा समापन की ओर चलते हैं। आज सुबह सुबह भगवान कृष्ण सोकर उठे हैं, मैया के पास गए, मैया चल मुको माखन दे। मैया ने कहा बेटा आज तू को माखन नहीं मिलोगी। क्या था माताजी? भागवत में लिखा है कि कन्हैया जी को माँ 8 बार भोजन कराती थी एक दिन में। 8 पहर होते हैं और हर पहर में यशोदा मैया 1 बार कन्हैया को खिलाती थी, 8 बार, मतलब समझ लो हर 1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा। अब कन्हैया सुबह से खाने लगते थे, जैसे ही सो के उठे जल्दी से नहाया और नहा के खाने लगते थे। कई लोगों को मैंने देखा वो बिना नहाए भोजन कर लेते हैं, बिना नहाते नहीं है भोजन नहीं करते हैं, बल्कि शास्त्र कहते हैं जब तक नहाओ ना ये शरीर अपवित्र रहता है, ये शरीर बिगड़ा रहता है। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सूर्योदय के पहले हमें उठना चाहिए, जब तक हमें कोई जरूरी काम ना हो सूर्योदय के बाद तक सोना नहीं चाहिए। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई करना रहता है, लिखा है शास्त्रों में सूर्योदय के पहले पढ़ाई करने से, यानी 4-5 बजे सुबह पढ़ाई करने से दिन भर में उतना ज्ञान नहीं आता जितना ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान आ जाता है। पूरे दिन का पढ़ना एक तरफ और ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे पढ़ना एक तरफ, बिल्कुल एक साथ। जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो रात में 11 बजे सोते थे और गुरुजी 3:30 बजे जगा देते थे, फिक्स ब्रह्म मुहूर्त में। और वहां से जो काम करते थे सुबह, सबसे पहले आपको गुरुकुलों के बारे में पता हो तो,
सबसे पहले जब गुरुकुल में उठाते हैं तो गौ माता की सेवा करनी पड़ती है, ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती है, ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ती है, स्नान संध्या करना पड़ता है, फिर खुद का भोजन खुद बनाना पड़ता है। आजकल मैंने देखा 25-25 साल की बेटियां हो गई, माँ बाप ने पढ़ा लिखा तो खूब दिया, लेकिन जो चीज ससुराल में काम आना है वो चीज बेटियों को नहीं पढ़ाई। क्या काम आना है? बोले भोजन बनाना काम आना है। ससुराल में वहां कलेक्टर नहीं बनने थोड़ी जाना है, वहां जाके भोजन बनाना है, वहां जाके साड़ी पहनना है। बोले लड़की को माता पिता ने ऐसा बना दिया है, काका गाघा अंगा ABCD तो रटा दिया, लेकिन लड़की को भोजन बनाना नहीं सिखाया, लड़की को दूसरों का सम्मान करना नहीं सिखाया, लड़की को साड़ी पहनना नहीं सिखाया। मैंने देखा 22-23 साल की लड़कियां हो गई, रानी लक्ष्मी बाई 23 साल की उम्र में बेटे को जन्म देके देश के लिए लड़के और मर तक गई थी 23 साल में, और यहाँ 23 साल की लड़की से साड़ी पहनते नहीं बनती, अभी भोजन बनाते नहीं बनता। गुरुकुल में अभी मैं चाहूँ ना तो आप 100 लोगों को मैं खुद भोजन बना के खिला सकता हूँ, अकेला आप 100 लोगों को खिला सकता हूँ भोजन बना के। गुरुकुल में जब उठो तो भोजन बनाना, कहते हैं ना कि लड़के में ज्ञान अगर कहीं से आता है तो वो गुरुकुल से आता है, और गुरुकुल में ज्ञान बस नहीं संस्कार भी बच्चों को दिए जाते हैं गुरुकुल में। वहां सुबह से उठा दिया जाता, खुद का भोजन खुद बनाओ, और फिर ऐसे पूरा दिन व्यतीत होता है। 3:30 बजे हमेशा जगा दिया जाता था हम लोगों को, 3:30 बजे आज भी मेरी नींद खुल जाती है भले ही मैं लेटा रहूं, लेकिन 3:30 बजे से जगा देते थे। जो बच्चा सुबह से जल्दी उठता है, जल्दी उठकर पढ़ता है, या जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है अपने घर के काम ही करता है तो उसे बड़ा फल मिलता है, वो व्यक्ति बड़ा स्वस्थ रहता है जो सुबह उठता है, और जो व्यक्ति लेट उठता है वो बड़ा अस्वस्थ रहता है, उसके दिमाग में बड़ी चिंताएं रहती हैं, हमेशा दुखी रहेगा वो, चिड़चिड़ापन उसके शरीर में रहेगा। कभी भी प्रत्यक्ष बता रहा हूं, जो व्यक्ति लेट उठता हो आप कभी भी देख लेना वो व्यक्ति का मन बड़ा अशांत रहेगा, उसके मन में बड़ी चिंताएं रहती है जो लेट उठता। एक माताजी को मैंने देखा, वो कहती थी गुरुजी मुझे भगवान को पाना है। मैं कहता था ठीक है माताजी, वो 10 बजे सो के उठती थी माताजी और कहती थी भगवान को पाना। मैंने कहा माताजी सुबह 6 बजे के पहले कब से नहीं उठी? बोली गुरुजी याद ही नहीं है कि कब से उठी थी, कब उठी थी अब आज तक पता नहीं, उठी होगी कभी बचपन में। हम तो हमेशा जब भी उठते हैं सूर्य हमें सामने ही दिखता है। मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त माताजी नहीं देखा? बोले नहीं गुरुजी ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता मैं तो जानती तक नहीं। मैंने कहा माताजी तुमने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा तो उस ब्रह्म को क्या देख पाओगी, ब्रह्म को बाद में देखना, पहले ब्रह्म मुहूर्त देख लो उसके बाद ब्रह्म को देख पाओगी। एक तरफ कह रही हो कि भगवान को पाना है गुरुजी, और 10 बजे सो के उठ रही हो, और उठते से ही चाय पीना है, उठते से ही खाना खाना है बिना नहाए। आप पवित्रता घर में रहती है, हमेशा भोजन बनाओ तो स्नान करके बनाओ, हमेशा कोई भी भोजन करे तो स्नान करके करे, हमेशा जल्दी उठना चाहिए। जब कोई मजबूरी रहती है थके हारे हो वो बात अलग है, लेकिन रोज हमेशा, आप तो गांव के लोग हो ठीक है उठते ही होंगे, गांव में ज्यादातर लोग उठते हैं, लेकिन और भी जो लोग कथा सुन रहे होंगे शहरों के होंगे वो, उनको जल्दी उठना चाहिए। कभी भी समय से उठोगे तो विद्या खूब प्राप्त होगी और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ सुबह जल्दी उठना चाहिए। कन्हैया उठ गए सुबह, मैया के पास गए, मैया जल्दी से भोजन दे मो को। मैया बोली लाला आज ते को भूखो रहने पड़ेंगे। लाला बोले क्यों मैया, मैं क्यों भूखो रहूंगो? इसलिए भूखो रहेगो काहे कि आज हमारे यहाँ इंद्र की पूजा हो रही है, इंद्र की पूजा के बाद फिर तुझे भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। कन्हैया ने कहा मैया इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र देवता जल बरसाते हैं, और जब जल बरसाते हैं तो हमारी गौएं वो जल पीती हैं, ये वन हरे भरे होते हैं तो हमें भोजन मिलता है, इंद्र देवता हमें पालते हैं इसलिए हम उनका पूजन करते हैं। तुरंत कन्हैया बोले, बोले मैया इंद्र देवता तो दिखते नहीं मुझे, वो पालते हैं कि नहीं? लेकिन हाँ एक चीज दिखती है कि मैं अपनी गौ माताओं को गोवर्धन पर्वत पे चराने जाता हूँ,
वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, वहीं पे घास लगी है, अपनी गौ माताएं चरती हैं घास को और उसी से तो दूध मिलता है। इंद्र देता है कि नहीं, लेकिन गोवर्धन जरूर मैया देता है। अगर पूजा करना है तो चलो गोवर्धन की करते हैं। मैया ने बोला, देख लाला तेरी टेढ़ी बातें मुँह को समझ में ना आए और तू हमेशा फंसा ले मुए भोली वाली मैया को, कछु भी कह के कछु भी करवाए दे, मैं ना मानू, तू अपने बाबा के पास जा, वहां जाके जो तो को करवाने हो सो करवा ले, मैं ना मानूंगी। समझ में आ रही ना ब्रजवासी? हाँ जाओ। कन्हैया ने कहा ठीक है, बाबा के पास गए। बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा देख नहीं रहे हो, इंद्र की पूजा होगी, तैयारियां हो रही हैं। चलो इंद्र की पूजा छोड़ो बाबा, अपन को ना गोवर्धन की पूजा करनो चाहिए, गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे, उनकी पूजा करना है हम लोगों को, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। हाँ, सभी ने तैयारियां कर ली। नंद बाबा ने सभी वृंदावन वासियों को कहा आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। कहते हैं जो नियम हमारे घरों में गलत चले आ रहे हो, ये शिक्षा देती है कथा। एक बात और, जो ये भागवत और रामायण की कथाएं हैं, ये किसी और की कथा नहीं रहती। ये भागवत और रामायण की कथाएं हमारे जीवन की कथाएं रहती हैं। माता जी, भागवत की हर कथा का एक ना एक सार होता है। इस कथा का सार क्या है? बोले जो नियम हमारे घरों में चाहे हमारे जीवन में गलत चले आ रहे हो, जैसे भगवान ने उस नियम को तोड़वाया है, वैसे ही हमें अपने नियमों को तोड़कर और सही रास्ते पर चलना चाहिए, सही काम करना चाहिए, सही धर्मों को अपनाना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा भैया, वो अनेक प्रकार के धर्म अपना लेते हैं, कई धर्म ऐसे चलते हैं उसमें कहते हैं भगवान को मत मानो, उनकी पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और सबसे ज्यादा लोग आते हैं और भोले भाले लोगों को भड़काते हैं। गांव के लोगों को कहेंगे ये धर्म मानो, आप मिले होंगे कई लोग आपकी नजर में ऐसे होंगे। इसलिए कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, कभी वो अपने धर्म को छोड़कर नहीं जाता, अपने धर्म से विमुख नहीं होता। गीता में लिखा है स्वधर्मो मरणम श्रेया, पर धर्मो भयावह। ध्यान से समझना, लिखा है खुद के धर्म के लिए स्वधर्मो मरणम श्रेया, खुद के धर्म के लिए मरना भी अच्छा है और दूसरे का धर्म तो हमें सिर्फ भय प्राप्त कराता है, धर्म के लिए मर जाना भी अच्छा कहलाता है। सुंदर नंद बाबा प्रसन्न हो गए हैं और नंद बाबा गोवर्धन लीला में गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। जरा आप भी अब मन से चलिए गोवर्धन की पूजा की ओर, भगवान की झांकी आ रही है, भगवान गोवर्धन धारण करेंगे। आप भी जरा चलिए मन से ही और आप भी गोवर्धन की सुंदर पूजा करिए। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। परिक्रमा
चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन कर ले चकलेश्वर के दर्शन करके 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 मैं तो जीवन सफल बनाओ मेरे भी माले मेरे भगवान मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी माले मेरे भगवान मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नहीं माले मेरे भगवान मैं तो वत्सल भगवान की जय। सुंदर गोवर्धन का पूजन हुआ है, 56 भोग गोवर्धन भगवान को लगाए हैं। जैसे इंद्र को पता चला कि इन्होंने गोवर्धन की पूजा की है, मेरी पूजा नहीं की है, इंद्र ने सांबर्तक नामक मेघों को भेजा। सांबर्तक नामक मेघों से कहा कि जाओ और जाकर वृंदावन में इतनी वर्षा करो कि पूरा वृंदावन पानी पानी हो जाए, सिर्फ पानी पानी रहे वृंदावन में। जोर जोर से वर्षा होने लगी है, बादल कड़कने लगे हैं, बड़ी भयंकर वर्षा हो रही है ब्रज मंडल में वृंदावन में। सभी दौड़े दौड़े आए नंद बाबा के पास, कन्हैया के पास।
कन्हैया देखो इतनी वर्षा हो रही है, हम मर जाएंगे, हमें बचाओ। किसी ब्रजवासी ने कहा यही कन्हैया तो कह रहा कि ताकि गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की करो, अब गोवर्धन हमें बचाएगा क्या? कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें गोवर्धन ही बचाएगा, गोवर्धन से तुम बचोगे। भगवान गोवर्धन के पास गए हैं और गोवर्धन के पास जाकर 7 साल के भगवान ने 7 दिन तक अपनी चिंगली पर गोवर्धन धारण कर लिया है। बोलिए गोवर्धन धारण भगवान की जय। गोवर्धन भगवान ने धारण कर लिया है, सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं, सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आप भी जरा अपने स्थान पर अब खड़े हो जाइए सभी लोग। खड़े हो जाइए सभी। गोवर्धन भगवान ने धारण किया, सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोग आगे मत आइए, कोशिश करिए कि पीछे ही रहिए, थोड़ा सा गैप बना रहे आपको। अच्छा बताइए सभी लोग, भगवान ने गोवर्धन उठाया, आप लोगों को खुशी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? हाँ, तो देवता नृत्य कर रहे हैं। अब आज की कथा है और कल से 2 दिन की बस कथा है, परसों विदाई है तो नृत्य करोगे नहीं, मुझे पता है। कल रुक्मणी विवाह है और आज है, तो जरा प्रेम से झूम लीजिए। सभी लोग जिनसे झूमते नहीं बनता वो अपने हाथ ही हिलाया करें, लेकिन भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाया करें। और कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के सामने नाच लेता है फिर उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता, कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाता। जरा प्रेम से आप सब झूम लीजिए, फिर भगवान की आरती करते हैं। अरे मैं ना लड़ी वो भाई मैं ना लड़ी, ओ मेरे सयानी कस गो मैं ना लड़ी। अरे मैं ना लड़ी वो भाई मैं ना लड़ी, मेरे सयानी कस गो मैं ना लड़ी। मैं ना लड़ी वो भाई मैं ना लड़ी, मेरे सयानी कस गो I'm gonna make you mine।
अब तो दरक्ति का जाल काना हो, अब तो दरक्ति का जाल काना, परसान में आना रे, परसान में आना रे काना, परसान में आना रे, मुझे लब बनाना रे काना, परसान में आना रे, परसान में आना रे, परसान में आना रे, मुझे लब बनाना रे काना, परसान में आना रे, परसान में आना रे काना, परसान में आना रे, मुझे लब बनाना रे काना, परसान बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छे से झूमे नहीं आप लोग, जरा प्रेम से ठीक है झूम लीजिए एक बार और, सभी लोग फिर आरती करवाते हैं, सभी अपनी हाजिरी लगा लीजिए। अरे जंगल पहाड़ों में नदियां किनारों में गौआ चराते थे, जंगल पहाड़ों में नदियां किनारों में गौआ चराते थे, मुरलिया मधुर बजाते थे, मुरलिया मधुर बजाते थे, मुरलिया मधुर बजाते थे, मुरलिया मधुर बजाते थे, अरे जंगल पहाड़ों में लज्जा किनारे में मैया चराते थे, पहाड़ों में लज्जा किनारे मुरलिया मधुर बजाते थे, मुरलिया मधुर बजाते थे, मुरलिया मधुर बजाते थे, मुरलिया मधुर बजाते थे। अरे जंगल पहाड़ों में नदियां किनारों में कौआ चराते थे, जंगल पहाड़ों में नदियां किनारों में कौआ चराते थे, अरे मोहन मुरलिया मधुर बजाते थे, अरे मोहन मुरलिया मधुर बजाते थे, मोहन मुरलिया मधुर बजाते थे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए अब समय हो चुका है, सभी लोग आरती कर लें प्रेम से। ओम ज्वाला मालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः, जले ज्वाला खले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर
बसा कर तेरी मूर्ति 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरे कर दे अर्पण
Krishna, Krishna,
बंसी वाले जो उनके माता मेरी अखियां तर गई अब तो आता शीतले।